हे रूट, वेलकम टू आईटी रूट। सो गाइज, आज का वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग एंड खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बहुत ही जबरदस्त लाइब्रेरी के बारे में, जिसका नाम है कीवी। कीवी का यूज हम जीयूआई एप्लीकेशंस बनाने में करते हैं, और सबसे मेन बात यह है कि कीवी की मदद से हम रिस्पॉन्सिव ऐप बना सकते हैं, जो आपके डेस्कटॉप में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा, मोबाइल में भी चलेगा और आईफोन में भी चलेगा। मतलब एक बार आपने कोड लिखा, मल्टीपल टाइम रन करेगा वो ऐप, ठीक है, वो और 100% रिस्पॉन्सिव होगा। जैसा कि आपको रिस्पॉन्सिव का मतलब आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जैसा कि यहाँ पे मैं इस विंडो की साइज को छोटा कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पे 3 डॉट आ गया, यहाँ पे क्लिक करने से ये ओपन हो रहा है और इससे बड़ा करने से ये पहले की तरह हो जा रहा है। इसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं, जो अपने साइज के अनुसार अपने आप को ढाल ले, दैट्स कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो कीवी की मदद से हम 100% रिस्पॉन्सिव ऐप बनाते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त है गाइज, और सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है इसके। और इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे कीवी एमडी का। कीवी एमडी और कीवी में क्या फ़र्क है गाइज, बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। कीवी एक मतलब पाइथन का लाइब्रेरी है और कीवी एमडी भी एक पाइथन का लाइब्रेरी है। फ़र्क इतना है इसमें कि कीवी है जो सिंपल आपका जीयूआई एप्लीकेशंस है, जिससे आप कोड करके जीयूआई बना सकते हो। कीवी एमडी कीवी मटेरियल डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड लिख दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग मतलब उसमें कर दी गई है मटेरियल डिजाइन के साथ, जो आपको करना नहीं पड़ेगा, जो आप बहुत ही कम कोड में काफी बेहतर से बेहतर मतलब एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, कीवी एमडी के थ्रू। कीवी एमडी में आपको काफ़ी कम सारे कोड लिख के काफ़ी बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कीवी एमडी का वेबसाइट है, तो कीवी एमडी से आप बहुत ही ज़बरदस्त कोड लिख सकते हो काफ़ी कम कोड बेस में, और कीवी में आपको वो सारी कोडेस लिखनी पड़ेंगी जो कीवी एमडी में ऑलरेडी बनी हुई है। आप कन्फ्यूज मत होना, मतलब कीवी एक पाइथन का लाइब्रेरी जिससे आप जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हो, और कीवी एमडी क्या है, मटेरियल डिजाइन है और लेटेस्ट में आया है मटेरियल डिजाइन। अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में हो तो आपको पता होगा मटेरियल डिजाइन क्या होता है। तो कीवी एमडी मटेरियल डिजाइन के साथ आता है, कीवी मतलब आपको खुद सारे चीज डेवलप करनी पड़ती है। तो हम मतलब मेनली फोकस करेंगे कीवी एमडी का, हम लोग कीवी एमडी को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कीवी का बेसिक्स आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कीवी का बेसिक्स नहीं आएगा तो आप मटेरियल डिजाइन नहीं कर पाओगे, आप कीवी एमडी के साथ नहीं जा पाओगे। वैसे तो आप चले जाओगे लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप इन फ्यूचर में बहुत अच्छा एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। और ये पूरी ट्यूटोरियल एकदम स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, जिससे आप अगर इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो तो आप एक नेक्स्ट लेवल कीवी डेवलपर बन सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई प्रोजेक्ट लेके स्टार्ट नहीं कर दूंगा कि कोई सा प्रोजेक्ट लेके और मैं उस पर ट्यूटोरियल लाने लगूं, तो आपको ऐसे अगर कोई प्रोजेक्ट लाके अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपको अधूरा नॉलेज मिलेगा। इस नाते ये ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को, हर एक विजिट्स को, हर एक मतलब फंक्शनैलिटी को एकदम डेप्थ में बताऊंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे आप एक आउटस्टैंडिंग कीवी डेवलपर बन सको। कीवी बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन गाइज, आप जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसा आप अगर पाइथन से फैमिलियर हो तो टिकेंटर का नाम सुना होगा, जावा से अगर फैमिलियर हो तो स्विंग का नाम सुना होगा, ये सारे जीयूआई एप्लीकेशन है जिससे आप जीयूआई मतलब बना सकते हो एप्लीकेशन। वैसे ही कीवी है, कीवी में एडवांटेज ये आता है कि ये रिस्पॉन्सिव होता है और आपके स्क्रीन के साइज के अनुसार ये खुद को ढाल लेता है और अपने के मोबाइल में भी चल सकता है, आपके और एंड्रॉयड में और iOS में भी चल सकता है। मतलब एक बार कोड करो हर जगह चलेगा। अगर आप जैसे पहले की जैसे आप यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर टिकेंटर यूज कर रहे हो, तो उससे उतना बेहतर ऐप नहीं बन सकता जितना कीवी एमडी के थ्रू बन सकता है। देखने में काफी लाजवाब लगेगा। और अगर आप एक कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कॉलेज में सबमिट करना है, तो कीवी एमडी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है। काफी कम कोड में काफी बेहतर गुड लुकिंग प्रोजेक्ट आप बना सकते हो कीवी एमडी की मदद से। तो कीवी एमडी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है गाइस, इस ट्यूटोरियल को पूरे लास्ट तक देखना, अब तक का इंटरनेट का हिंदी में सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि कीवी एमडी का कोई भी बढ़िया ट्यूटोरियल मुझे यूट्यूब पे अभी तक को देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इस नाते इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करना, सीरियसली आप नेक्स्ट लेवल तक चले जाओगे। तो सबसे इसके बाद आते हैं कि क्या इंस्टॉलिंग का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल ओपन करिएगा और यहाँ पे कमांड लिखिएगा पिप इंस्टॉल कीवी और पिप इंस्टॉल कीवी एमडी, बस ये दो कमांड रन करने हैं आपका, मतलब कीवी और कीवी एमडी रन हो जाएगा, ठीक है। तो और बता दूं, अगर आपको सबसे अच्छा पार्ट होने वाला है इस ट्यूटोरियल का ये कि इस ट्यूटोरियल में आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं है, आपको मतलब लिखा लिखाया नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप सीधे क्या करना, आप
प्रिंट आउट करा के अपना नोट्स रख सकते हो। मतलब आपको बस ट्यूटोरियल देखना है और समझना है, नोट्स की चिंता नहीं करनी है, सारा नोट्स का मैं वो कर दूंगा, बस आपको ट्यूटोरियल देखनी है। और मेरी कंटेंट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो जो वेब डेवलपमेंट में हैं। ठीक है, तो आज से बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा पूरा नोटिफिकेशन आता रहे। और मैं इस जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप प्लेलिस्ट को ऐड कर लेना, और जिससे जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो आएगी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस नाते ये सारी प्रोसीजर आप फॉलो कर लो, और कीवी के साथ जस्ट स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कीवी सीखेंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीक़ों से, और काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस बना सकते हैं कीवी की मदद से। काफ़ी कम वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ, और बहुत ही कम समय में आप मुश्किल से एक महीने के अंदर आप कीवी के एकदम मास्टर बन जाओगे। तो मेरा अगर एफर्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम अपना फर्स्ट कीवी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट वीडियो अपना शूट करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, सॉरी फर्स्ट 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 कई बार हो गया तो मतलब बेसिकली हम अपना फर्स्ट कीवी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे कीवी की मदद से। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम ये पूरी ट्यूटोरियल विद नोट्स के साथ देखेंगे, और पूरा चीज़ें मैंने स्टेप पूरा जो भी मैं बताऊँगा ये सारे मैं नोट्स में लिख रखा हूँ, और मैं एक एक चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा इस ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल में बने रहें और इस प्लेलिस्ट को ऐड कर लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लॉजिक के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक डॉट पाई फाइल बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप कोई सा भी आप नाम दे सकते हो, तो मैं हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड डॉट पी वाई नाम से मैं बना दे रहा हूँ, और ये सारी मैंने पहले बना रखी है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बनाया है। ठीक है, इससे हम किसी अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सबलाइम का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आपको जो मर्जी आप उस चीज़ आप उसका यूज कर सकते हो, तो मुझे सबलाइम पे उतना मज़ा नहीं आता गाइस, मैं इसको वी एस कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, वी एस कोड मेरा फेवरेट वीडियो मतलब सॉरी सोर्स कोड एडिटर है जो मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है, और एक्चुअली आई लव दैट वी एस कोड। ठीक है, तो हम वी एस कोड पे आ गए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कीवी पे हम लोग यहाँ पे हम पूरे बता रखे हैं इस नोट्स में, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे मैं सारा स्टेप्स मैं बता रखा हूँ कि क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिया है, इंपोर्टिंग द पैकेजेस दैट यूज इन योर प्रोग्राम, पहले इंपोर्ट करना होगा वो पैकेज जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी। देन क्रिएटिंग ए क्लास दैट गिव अ आर्ग्यूमेंट ऐप दैट्स मीन इट्स इनहेरिट द ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ऐप फंक्शंस, मतलब एक हम क्लास बनाएंगे वो ऐप को इनहेरिट करेगा। आपको बोरिंग लग रहा होगा, मैं कोर्स के जरिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कीवी में जो यूज होगा उसको मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो कीवी डॉट ऐप इंपोर्ट ऐप, पहले हम लोग को ये इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवी से मतलब ऐप को इंपोर्ट करना होगा कीवी ऐप से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए किसी हम लोग को विजिट की जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने पहला तो कीवी से ऐप को इंपोर्ट किया, दूसरा मैंने लेवल को इंपोर्ट किया। लेवल को हम लोग का ज़रूरत इस नाते पड़ा कि हम लोग को स्क्रीन पे कुछ लिखना है, तो वो जो स्क्रीन पे हम लोग लिखेंगे वो लेवल की मदद से लिख पाएंगे। ठीक है, और ऐप क्यों हम लोगों ने इंपोर्ट किया, ऐप इसलिए इंपोर्ट किया कि जो GUI जो मान लीजिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा है, जो स्टार्टिंग स्क्रीन होता है वो ऐप के जरिए ही आपको मतलब दिखाया जाता है। इस ऐप में आपको पूरा जो भी कोड मतलब डिस्प्ले बनाने के लिए जो भी कोड लिखा जाना चाहिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप इसको इनहेरिट करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा गाइस, सिंपली आपको एक क्लास बनाना होगा। ठीक है, उसका नाम आप लेबल कुछ भी आप दे सकते हो, मैं क्या दूँ, माई ऐप ही दे रहा हूँ। ठीक है, माई ऐप कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ये इनहेरिट करेगा ऐप की पूरी फंक्शनैलिटी यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी जो ऐप हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ठीक है, इसके बाद हम एक बिल्ड मेथड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड
और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे सेल्फ, ठीक है। बिल्ड मेथड इसका बाय डिफॉल्ट मेथड है जो जिसे हम ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ज़रूरी होता है, जैसे बिल्ड आपको पता होगा बिल्ड नाम से कंफर्म होता है कि मतलब ये जो ऐप हो उसको बिल्ड करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये बिल्ड मेथड को हम लोग ओवरराइड किया गया, उसके बाद हम लोग को बस रिटर्न कर देना है अपना जो भी विजिट करना है। तो हम लोगों ने लेबल को इम्पोर्ट किया, तो हम इस लेबल को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो लेबल आपस मान लो लेबल बस वैसे ही इंपोर्ट नहीं हो जाएगा ना, लेबल कुछ पैरामीटर लेता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी पैरामीटर है टेक्स्ट। पहले मैं इसको हटा के फिर आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो मान लो मैंने लेबल को फिर कर लिया, मैंने लेबल को इसको रिटर्न कर दिया, ओके। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ तक हम लोग का क्लास बन गया। अब क्लास बन गया तो इसको क्लास को कॉल भी करना पड़ेगा ना गाइस। तो क्लास को हम कॉल करने के लिए यहाँ पे क्लास का नाम प्लस डॉट रन रन मेथड से हम लोग कॉल करेंगे, मतलब क्लास का नाम उसके बाद डॉट रन मेथड हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैंक स्क्रीन, क्योंकि लेबल में हम लोगों ने कुछ पास ही नहीं किया, बस लेबल को यूं ही पास कर दिया, तो हम लोग को एक सादी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये ऐप की बदौलत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम लोगों ने इसे ऐप को इम्पोर्ट नहीं किया होता तो ये जो स्क्रीन आपको ब्लैक सी दिखाई दे रही है ये आपको नहीं दिखती, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ऐप को हम लोगों ने क्यों इम्पोर्ट किया, ठीक है। अब लेबल का हम लोग काम देखते हैं, लेबल को क्यों हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। तो लेबल इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक पैरामीटर है टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में आप जो भी लिखोगे, जैसे हेलो कीवी मैं लिखा हूँ, और जो भी आप लिखोगे यहाँ पे मतलब सेंटर में दिखेगी आपको, ठीक है। आप सोच रहे होगे यार मैं कैसे इसको रन करा रहा हूँ, तो मैं बता दूँ गाइस, इसको रन कराने के लिए आपको आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा, मतलब जहाँ पे आपने ये फाइल बनाया है, उसके बाद आपको पाइथन 3 hello.py आप अपने टर्मिनल में ये लिखोगे। पाइथन 3 अगर विंडोज़ में हो तो पाइथन लिख के, और अगर लिनक्स में हो तो पाइथन 3 और अपने ऐप का नाम लिख के रन करा सकते हो। तो ये तो आपको पता होगा, अगर आप कीवी सीखने आए हो तो आपको कीवी मतलब कीवी सीखने आए हो तो पाइथन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो इस नाते इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सिंपल सादा साधारण सा लेबल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं गाइस, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है आप डायरेक्ट इस लेबल को मतलब रिटर्न करा दो, ठीक है। गुड प्रैक्टिस ये है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करो, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन करो, उसमें आप इसकी प्रॉपर्टी को भेज दो और फिर इस वेरिएबल को आप रिटर्न कराओ, ठीक है। बात वही है, बस आप जैसे देखो बात वही है, आप लेबल को यहाँ पे रिटर्न करा रहे हो। जैसे हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग रिटर्न कराया गया था, लेकिन इस बार हम इस वेरिएबल को रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। आप रन कराओगे सेम वही चीज़ होगा, कुछ इसमें अलग नहीं होगा, ठीक है। तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेबल को यहाँ पे हम लोगों ने लेबल की मदद से एक टेक्स्ट लिख के अपने स्क्रीन पे देख लिया गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट ये लेता है, मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो, इसकी जो साइज है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी साइज जो है जैसे ये कितना छोटा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ये जो फंट की साइज है काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे हम फंट की साइज बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करने पड़ेगी, कॉमा लगा के आप यहाँ पे लिखो फंट अंडरस्कोर साइज, यहाँ पे आप दोगे और इसको आप डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू दोगे। तो मान लो मैं 120 ये पिक्सल्स में लेता है SP, ठीक है। SP स्टैंड फॉर स्क्रीन पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे नोट्स में मैंने इसको मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखो ये SP हियर SP स्टैंड फॉर स्क्रीन पिक्सल, ठीक है। मैंने सारे बात को यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये बड़ा सा आपको हेलो कीवी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया होगा SP का क्या मतलब है। इसमें और सा प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, जैसे इस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो। तो बोल्ड करने के लिए सिंपली आपको बोल्ड इक्वल टू ट्रू लिख देना होगा, दैट्स इट गाइस। आपका इस ये जो है बोल्ड हो जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो गया, ठीक है। इटैलिक करना है, सिंपली आपको क्या करना होगा, कॉमा इटैलिक इक्वल टू ट्रू, इटैलिक इक्वल टू ट्रू, बस दैट्स इट गाइज। यहाँ पे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो गया होगा, ठीक है। इसका कलर आपको चेंज करना है, बस कुछ नहीं करना आपको, कलर यहाँ पे कलर लिखना है इक्वल टू कलर इक्वल टू यहाँ पे इसका ब्रैकेट में आपको लिखना होगा RGB के तौर पे ये वैल्यू लेता है, मतलब RGB के तौर पे कलर लेता है। तो रेड में हम 1 दे रहे हैं और रेड
आरजी ग्रीन में जीरो दे दे रहे हैं और बी में जीरो दे दे रहे हैं, और एक लेता है ओपेसिटी के लिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए इसमें, तो ओपेसिटी हम फुल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो ये रेड कलर का दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये 0 to 1 के रेंज में यहाँ पे ये लेता है, मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये 0 to 1 के वहाँ पे लेता है। द नंबर ऑफ कलर्स इज बिटवीन 0 to 1, यू कैन यूज द कलर कोड लाइक 0.7, 0.3, 0.2 एंड 1, ठीक है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप जैसे W3 स्कूल या किसी अलग प्लेटफॉर्म से जो कलर कोड आप लाते हो उसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी बस इतना ही जानो, क्योंकि अगर वो भी बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके माइंड से सारा वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप हमारा ऐप जो दिख रहा होगा ऐसा ब्लैक कलर का स्क्रीन है, हेलो की भी है। अब एक और सवाल है गाइज, मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना हो तो आपको क्या करना होगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, सिंपली आपको विंडो को इंपोर्ट करना होगा, जो विंडो स्क्रीन आपको दिख रही है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए कीवी के कोर मॉड्यूल से विंडो को इंपोर्ट करना होगा, विंडो को इंपोर्ट करना होगा, को हम क्या करेंगे, फ्रॉम kiwi.core.window इंपोर्ट विंडो, कैपिटल यहाँ पे विंडो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, विंडो जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया डॉट क्लियर कलर, क्लियर कलर यहाँ पे क्लियर कलर हम लोगों ने लिखा, और यहाँ पे हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं, जैसे 1, 1, 1, 1, मतलब हम लोगों ने इसका कलर वाइट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, विंडो डॉट क्लियर कलर, मतलब क्लियर कलर का मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा। और यहाँ पे आप जैसे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टपल 1, 1, 1, 1 यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले की कलर थी उसको वो क्लियर कर दे रहा है, और आपको जो नया कलर है जो आपने बताया है कि ये हमारे ऐप को इस कलर का विंडो कर दो, वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड वाइट हो गया, उस पर रेड कलर का काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप विंडोज की कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से विंडोज की साइज भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा, यहाँ तक का मैंने आज का वीडियो में कवर कर दिया। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि रिवाइज पहले हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, हमको ऐप इम्पोर्ट करना होगा, kiwi.app इम्पोर्ट ऐप, यहाँ पे इसको पहले हम लोगों ने क्या किया, मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोगों ने ऐप को इम्पोर्ट किया बेसिक जो क्या बोलते हैं GUI का विंडो दिखाने के लिए, फिर लेबल को इंपोर्ट किया टेक्स्ट पे कुछ लिखने के लिए, विंडो को अपलोड हम लोगों ने इंपोर्ट किया अपना जो डिस्प्ले है स्क्रीन का कलर बदलने के लिए, जो आपका बैकग्राउंड है। हम लोगों ने क्लास बनाया माई ऐप, कोई सा भी नाम यूज कर सकते हो। हाँ, अगर एक और बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पे आप रन करोगे तो इसका टाइटल आएगा माई, जो यहाँ पे ऐप के पहले जो आप नाम लिखोगे वही आपका टाइटल का नाम होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर विशाल लिखता हूँ अपना नाम, उसके बाद नीचे यहाँ पे जहाँ पे मैंने कॉल किया है यहाँ पे विशाल ऐप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐप के पहले जो आप नाम लिखोगे वो आपके आपका यहाँ पे वो टाइटल होगा। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ और मैं फिर इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइटल विशाल हो गया, ठीक है। तो ऐप के पहले जो सा भी आपको नाम रखना है वही आपके टाइटल होगा, वही आपके जो ऐप का होगा टाइटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नाम रखा, क्लास का नाम रखा, वो इनहेरिट किया पूरे तरह से ऐप को। यहाँ पे आप होवर करने पे जाओ तो ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन पस, ऑन रिज्यूम, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक बस देखते हैं। तो ये इम्पोर्ट पूरा ओवर, वो इसको इम्पोर्ट किया, सॉरी इसको क्या इनहेरिट किया, इसकी प्रॉपर्टी, ऐप की पूरी प्रॉपर्टी इस क्लास ने इनहेरिट किया। फिर हम लोगों ने एक मेथड बनाया बिल्ड मेथड, उसके अंदर हम लोगों ने लेबल डिफाइन किया, ठीक है। लेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दी, फिर लेबल को रिटर्न कर दिया, एंड लास्ट में हम लोगों ने इसको कॉल कर दिया। मतलब 3 स्टेप में ये काम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का बस 3 स्टेप है। पहला हम लोगों ने इम्पोर्ट किया पैकेजेस को, दूसरा हम लोगों ने क्लास बनाया, तीसरा हम लोगों ने क्लास को रन किया, क्लास को मतलब रन किया, ठीक है। ये 3 स्टेप में आपका कीवी का प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैं प्रॉपर नोट्स के साथ मैं पूरा यहाँ पे लिखा हूँ, आपको एक एक चीज़ें आप पढ़ के यहाँ पे आप जान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से जान सकते हो, और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर कोई सी भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताना, ठीक है।
यहाँ पे हम बटन्स देखेंगे, कीवी में बटन्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें बटन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो और सबसे खास बात है इसमें हम पूरे नोट्स के साथ देखेंगे, और हम पूरे नोट्स, जैसा कि आपको पता होगा, हम पूरे नोट्स के साथ अपन देख रहे हैं कि कैसा, मतलब जो जो भी ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएटिंग अ बटन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप इंपोर्टिंग द बटन पैकेज, पहले इंपोर्ट करना है, फिर डिक्लेयर द बटन क्लास इन योर क्लास बॉडी एंड रिटर्न दैट, ठीक है। ये आपका स्टेप है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है, सबसे पहले कीवी को, कीवी के ऐप को इंपोर्ट करना, जैसा कि आप पहले से जानते हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर कीवी के UIX से बटन को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखेंगे, पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने कहीं पे भी एक फाइल बनाओ, बटन, कोई सा भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। बटन डॉट पी वाई मैंने फाइल दिया अपने, और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में अपने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, अपने VS कोड में ओपन कर रहा हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो गाइज, इसमें कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसी में, मतलब VS कोड में ही यूज़ करो, आप नोट पैड में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे VS कोड काफ़ी पसंद है, तो इस नाते मैं VS कोड ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई वो मत होना कि यार VS कोड ही इंपॉर्टेंट है कोई, ठीक है। तो हमने एक अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, फ्रॉम कीवी डॉट ऐप इम्पोर्ट ऐप, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें मैंने मुझे ऑथेंटिकेशन कर रहा है, ठीक है। इम्पोर्ट ऐप, पहला तो ये इम्पोर्ट करना ही आपको, जैसा कि आपको पता होगा। और इसके बाद हम कीवी के UIX से बटन से, और VS कोड में सबसे अच्छा ये सजेशन दे देता है, तो आपको ज़्यादा टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो यहाँ पे मैंने बटन भी इंपोर्ट कर लिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट लाइन में क्या किया, मैंने ऐप को इंपोर्ट किया, फिर मैंने दूसरे क्लास में, यहाँ पे आप यहाँ पे होवर करोगे तो पता चल जाएगा ये क्लास है, और ये मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल है, ये क्लास है, ठीक है। हालांकि ये एक पैकेज है, ये सब पैकेज है, जहाँ आपको पता होगा पाइथन को पता, अगर पाइथन आपने यूज करा होगा तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, उसके बाद आपको क्लास बनाना है, ये भी आपको पता होगा। हम यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं बटन ऐप, तो आपको यहाँ पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो बटन है ये हम लोग का ऐप का टाइटल होगा, ऐप के पहले जो भी हम लोगों ने, हम स्ट्रिंग लिखते हैं वो हमारे टाइटल होता है हमारे ऐप का, ठीक है। तो हम बटन ऐप कर रहे हैं, और इसमें हम लोग इनहेरिट करेंगे ऐप को, ठीक है। यहाँ पे ऐप हो गया, उसके बाद हम लोग एक प्री बिल्ड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है, सॉरी। तो हम बिल्ड को ओवरराइड कर रहे हैं, और इसमें सेल्फ पैरामीटर पास करेंगे, ओके। यहाँ तक हो गया आपका, गुड। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ गाइस। एक तो है आप BTN का, एक BTN करके या बटन करके आप एक वो बना लो, वेरिएबल बना लो, उसमें आप बटन को डिक्लेयर कर दो, जैसे बटन, उसमें बटन में आप टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट जो आपको करना हो, क्लिक मी आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न BTN यहाँ तक कर दो, और इसके बाद अपने अपने ऐप को कॉल कर दो, ठीक है। बटन ऐप को डॉट रन मेथड से कॉल कर दो, डॉट रन, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप कॉल इसको रन करा दो, ठीक है, मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक मी आ गया, आप क्लिक करोगे तो ये बटन काम कर रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये फुल स्क्रीन है, मैं आपको इसको छोटा करना भी बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इस बटन को ही रिटर्न कर दो, इसको कंट्रोल एक्स करो, और इसको आप यहीं पे रिटर्न कर दो, और इसको आप हटा दो, ठीक है। सिंपली यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, वही चीज़ होगा, जो आपको सही लगे आप ये कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही रहता है कि आप एक वेरिएबल बना के इसको रिटर्न करो, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया, हम लोगों ने बटन बना लिया गाइस, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बटन की बहुत सारी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, जैसा यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, इस नाते मैं नोट्स आपको दे दे रहा हूँ, आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसकी साइज को आप फिक्स कर सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, ऑन प्रेस, ऑन रिलीज। तो यहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम साइज को देखेंगे, साइज हिंट, यहाँ पे आप साइज हिंट, आप यहाँ पे लिखोगे साइज अंडर स्कोर हिंट,
साइज हिंट लिखोगे और यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से दे रहे हो, मतलब मैं 0.3 और 0.4 का दे रहा हूँ, एक्स एंड वाई, ये एक्स से है ये वाई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में बता रखा है, आप मेरा नोट्स अगर देखोगे आप, रुको एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटर एक्स है, सेंटर वाई है, मैंने ये बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने सारा अपने नोट्स में लिख रखा है गाइस, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ब्लरिंग आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा लोड कर रहा है मेरा पीडीएफ, काफ़ी ज़्यादा एमबी का है। यहाँ पे देखो साइज हिंट में यहाँ पे 0.3 दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस से है और ये वाई एक्सिस है, एक्स इक्वल टू विड्थ, वाई इक्वल टू हाइट, मतलब एक्स हम लोग जो ये है ये विड्थ है और ये हाइट है, ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान पे रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका विड्थ और हाइट दे दिया, अब इसको रन करा के देखते हैं कैसा दिखता है हम लोग का। जैसा आपको दिख रहा होगा ये इतना छोटा सा इतू सा यहाँ पे बटन आ गया, ओके, तो अब क्या कर सकते हो हम इसमें, अब इसको हम लोग इसको सेंटर में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉस हिंट, पोजीशन हिंट, पॉस मतलब पोजीशन, हिंट, पोजीशन हिंट में हम लोग देंगे उसमें ये एक यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग पहले लिखेंगे सेंटर एक्स, सेंटर हाइफन एक्स, मैं इसको बताऊंगा ये कैसे लेता है, सेंटर एक्स में हम लोग 0.5 दे रहे हैं मतलब आधा, और सेंटर वाई, सेंटर अंडरस्कोर वाई, इसको भी हम लोग दे रहे हैं 0.5, यहाँ पे हो गया, इसको हम रन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप दिख रहा हो, आपको दिख रहा होगा ये बटन हमारे सेंटर में आ गया, एकदम एकदम सेंटर में आ गया, ओके। तो अब हम देख रहे हैं ये इसका मतलब क्या है, पॉज हिंट वाला, तो यहाँ पे भी मैंने इसको भी डिफाइन किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटर एक्स मतलब ये जो आपका विंडो है, सेंटर एक्स मतलब यहाँ से राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे सेंटर वाई मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, सेंटर एक्स मतलब इस एक्सिस से यहाँ की दूरी, सेंटर वाई मतलब इस एक्सिस से यहाँ की दूरी, ठीक है, आपको कन्फर्म हो गया होगा, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे इस पर आप और सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप उसको सेंटर में कर दिए, उसके बाद फॉन्ट साइज इसकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसकी साइज, इसकी सॉरी इसकी फॉन्ट साइज आप देख सकते हो, फॉन्ट अंडरस्कोर साइज, ये पिक्सल में लेता है, आपको पता होगा आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, तो हम इसको दे रहे हैं 44 SP फॉर स्किन पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक फंक्शन होता है ऑन प्रेस, ऑन रिलीज, ऑन प्रेस, ठीक है, ऑन प्रेस, इस यहाँ पे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑन प्रेस हमने मेथड वो किया कि मतलब प्रेस होने के बाद कौन सा इसका जो कमांड है वो करे, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वहाँ पे हैं, तो हम सेल्फ के साथ btn क्लिक, कुछ भी आप यहाँ पे, ये एक मेथड है, यहाँ पे कोई सा भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है, या btn क्लिक हम लोगों ने दिया, इसको हम कॉपी करते हैं और ये मेथड हम यहाँ पे बनाते हैं, हम डेप से कोई भी मेथड बनाते हैं, और ये एक सेल्फ आर्गुमेंट लेता है और एक और यहाँ पे आर्गुमेंट लेता है btn, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट यहाँ पे कराते हैं बटन क्लिक्ड, ठीक है, मतलब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन क्लिक्ड का वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फिर से देखो जैसे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बटन, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तब ये आ रहा है, प्रेस कर रहा हूँ तब आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। वैसे ही ऑन रिलीज होता है, ऑन रिलीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो तरह से होते हैं, ऑन प्रेस और ऑन रिलीज, RELEASE, रिलीज का स्पेलिंग सही है ना यार, RELEASE देख ले रहा हूँ, ऑन RELEASE, ठीक है, स्पेलिंग में मेरा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ऑन रिलीज का क्या होता है, आप इसको प्रेस करे रहो तब कुछ नहीं होगा, जैसे इसको छोड़ोगे तब ये मतलब ये परफॉर्म होगा, जैसे मैं देखो यहाँ पे प्रेस किया हूँ कुछ नहीं हो रहा है, जैसे मैं छोड़ूंगा यहाँ पे ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो आपको ऑन क्लिक और ऑन ऑन रिलीज एंड ऑन प्रेस में फर्क
पता चल गया होगा, ठीक है। तो बटन्स के ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और अपने बटन अपने कीवी में अपने बटन्स को बना सकते हो। तो हम लोगों ने अब मैं हम बाय पूरा एक बार नोट्स को भी देख ले रहे हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। नोट्स में हम लोगों ने ये बनाया, फिर यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें बताया है ऑन प्रेस ऑन रिलीज यहाँ पे, और यहाँ पे हर चीज़ों को मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा पोजिशन हिंट और यहाँ पे, और यहाँ पे ये दूसरा है, ठीक है, यहाँ तक बटन का है और इसका नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अपन क्या किए हैं अभी तक। पहले हम लोगों ने ऐप को इंपोर्ट किया, फिर बटन को इंपोर्ट किया, फिर हम लोगों ने क्लास बनाया बटन ऐप नाम से, बटन ऐप कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है, ये इनहेरिट किया ऐप को। उसके बाद हम लोगों ने बिल्ड मेथड बताया, फिर हम लोगों ने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको पास किया, फिर हम लोगों ने एक मेथड बनाया ऑन ये जो बटन प्रेस होने पर क्या हो, फिर उसे प्रिंट किया, फिर अपने मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो ये स्टेप्स बटन को क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आपको ये जो स्टेप्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को जरूर आप मतलब प्लेलिस्ट को जरूर ऐड कर लें, जिससे इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज आएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज हम बटन्स का आप रिवाइज करना, आज मैंने बटन्स के बारे में बताया, तो आप इसको बनाओ और देखो, ठीक है। अगली वीडियो में हम इमेज लगाना सीखेंगे कि अपने यहाँ पे कैसे इमेज लगा सकते हो अपने ऐप में। तो आज बस इतना ही गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इसकी पूरी ट्यूटोरियल समाप्त हो जाएगी, फिर कीवी एमडी पे जम करा जाएगा, फिर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, बिना कॉन्सेप्ट जाने अगर आप किसी जैसे प्रोजेक्ट पे चले जाओगे तो आपको अधूरा नॉलेज मिलता है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने कीवी ऐप में कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, अपने कीवी ऐप में इमेज को कैसे दिखा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको, जैसा कि आप पहले करते आए हो, आपको kiwi.app से ऐप को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम kiwi.app से ऐप को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हमको एक इंपोर्ट करना होगा इमेज फंक्शनैलिटी को। तो हम kiwi.uix के पैकेज से इमेज से इमेज को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको इमेज ऐसे इंपोर्ट कर लेना है। दो चीज़ को आपको इंपोर्ट करना है, एक ऐप को इंपोर्ट करना है जो आप पहले से इंपोर्ट करते आए हो, और दूसरा इमेज को इंपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप पहले काम करते आए हो आपको क्लास बनाना है, तो माई इमेज ऐप कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है, ये इनहेरिट करेगा ऐप को। उसके बाद हम एक बिल्ड मेथड बनाएंगे जो इस ऐप को बिल्ड करता है, ठीक है। इसमें एक आर्गुमेंट पास होगा सेल्फ, ठीक है। यहाँ तक तो आप करते आए हो अभी तक, अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल फॉलो करा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको एक वेरिएबल बनाना होगा img को, और इसमें आपको डिफाइन करना होगा इमेज को, और यहाँ पे लिखना होगा सोर्स लिखना होगा उसका इक्वल टू। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स फाइल डालना होगा, कहाँ पे आपने इमेज इंसर्ट किया है। तो मैं इसी फाइल में अपने एक लोगो करके, अपना एक लोगो है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो मैं इसी को आपको विजुअल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा इसी फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे logo.png यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, कब सिंपली इसको रिटर्न करा देना है। दैट्स इट गाइस, यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। बस आपको अब क्या करना है, एक सेकेंड, यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपके अपने मेथड को, आपके अपने क्लास को कॉल कर देना है, ठीक है। तो आपको कॉल कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है इसी फोल्डर में। अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाइएगा, तो आपका मतलब ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल, ठीक है। अगर विंडोज़ में हो तो कमांड प्रॉम्प्ट, सिंपली आपको लिखना होगा पाइथन। अगर आप विंडोज़ में हो तो बस पाइथन लिखना, अगर लिनक्स में हो तो python3 main.py। आपको सिंपली इंटर हिट करना होगा और यहाँ पे आपका इमेज लग जाएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड देखते हैं। PFG मैंने लिख दिया, यहाँ पे PNG होगा, ठीक है। तो यही गड़बड़ थी, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा
लोगो लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा लोगो दिख रहा है आपको, पूरी बड़ी पूरा स्क्रीन साइज ये ले लिया है, आपको दिख रहा होगा ये लोगो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल यहाँ पे पूरा नोट्स दे रखा है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए अगर इंटरनेट से कोई अगर इमेज उठाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एसिंक्रोनस ASYNC इमेज आपको ये भी इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको इमेज की जगह एसिंक्रोनस इमेज लिखना होगा यहाँ पे, और सोर्स के जगह एक सेकंड यहाँ पे आपको लिखना होगा, और यहाँ पे सोर्स के जगह आपको इस इमेज का URL देना होगा, तो आपका जो मतलब नेट से आके आपके ऐप पे वो दिखने लगेगा। तो फिलहाल मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है, अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मैं ये चीज़ आपको नहीं दिखा पाऊँगा, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, ज़रूर ट्राई करना इसको। उसके बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पे अगर आपको इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी लग रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको साइज़ इसका मतलब अगर आप जैसा चाहते हो वैसा साइज़ करना है, तो साइज़ हिंट नाम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा अगर यहाँ पे जैसे कीवी एक रिस्पॉन्सिव ऐप बनाता है, तो अगर आपको कस्टम साइज़ देना है तो आप यहाँ पे साइज़ हिंट नन और दोनों नन नन कर देना, मतलब हाइट और विड्थ मतलब मैं अपने हिसाब से अब देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस नाते मैंने साइज हिंट यहाँ पे नन कर दिया, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मतलब लिख रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना डिजायर्ड विड्थ एंड हाइट यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं विड्थ मैंने अपने नोट्स में 150 दिया है, तो मैं इसी को लेकर चलूँगा, तो यहाँ पे 100 दे दिया, और हाइट कितना दूँगा, हाइट यहाँ पे मैंने दे दिया 50, जो मैंने अभी नोट्स में लिखा है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, उसकी आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आप रन कराओगे तो यहाँ पे WIDTH, अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमा छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम रन कराएं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे हमारा जो आइकन है बहुत छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी साइज़ हम थोड़ी सी बड़े कर देते हैं और इसको बीच में दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 200 कर दे रहा हूँ और इसको हम 100 कर दे रहे हैं, ठीक है, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई। और इसको अगर हमको सेंटर में लाना है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अगर मैं मेरा ट्यूटोरियल फॉलो करते आए हो तो, पॉस हिंट, पोजिशन हिंट, ठीक है, उसमें आपको क्या देना होता है, सेंटर एक्स सेंटर वाई। तो यहाँ पे सेंटर अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 0.5, मतलब ये सेंटर एक्स एक्स एक्सिस से बीच में आएगा, और यहाँ पे आप कॉमा देना, और यहाँ पे सेंटर वाई, इसको भी डबल यूनिटेड कॉमा में, सेंटर अंडरस्कोर वाई, इसको भी आप 0.5 दे देना, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0.5, ओके। देन आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको रन कराना होगा, तो python3main.py यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हमारा आइकन सेंटर में आ गया है, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कहीं भी मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में इमेज लगा सकते हो कहीं भी, ठीक है। अगर आपको सेंटर लेफ्ट में लगाना है, तो यहाँ पे 0., यहाँ पे सेंटर एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरे डिपेंड करता है आपके डिजायर्ड आउटपुट के हिसाब से, ठीक है, मतलब आपको क्या चाहिए अपने ऐप से, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से इसको आप अपने हिसाब से अपना इमेज लगाना या कुछ भी करना, इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हम पूरी ट्यूटोरियल ख़त्म करने के बाद एक प्रोजेक्ट लाएंगे कीवी पे ही, और उसमें आपको एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना के दिखाया जाएगा, ठीक है। पहले बेसिक जानना ज़रूरी होता है, इस नाते बेसिक्स को अच्छे से पढ़ो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, इसको प्रैक्टिस करो आप, और इसको आप बनाओ अपने अपने मतलब PC में, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का टॉपिक बहुत ही मतलब खास होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो से हम लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है किसी भी GUI मतलब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो अगला पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ट्रिकी नहीं होगा, मतलब समझने वाली टॉपिक होगी, क्योंकि लेआउट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आज हम कीवी में देखने वाले हैं लेआउट्स के विषय में। लेआउट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट
मतलब रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि लेआउट के तौर पे हम किसी भी डेस्कटॉप पे, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ लेआउट्स क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीएस कोड अपना ओपन कर रहे हैं और हमारा वी एस कोड अभी ओपन हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि लेआउट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं डेमो के लिए, मैं आपको समझाने के लिए कि क्या इसका महत्व होता है। तो मैं सिंपली एक बटन का प्रोग्राम लिखूंगा कि कैसे आप कीवी में बटन बनाते हो। तो आपने ये पढ़ रखा है तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे आप बटन बना सकते हो, ठीक है। तो बस मैं आप जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ और आपको मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो गाइज़ मैंने एक बटन का प्रोग्राम लिखा है कि कीवी में आप बटन कैसे बना सकते हो। तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देख सकते हो, मैं अभी रन हो रहा है तो यहाँ पे एक सिंगल सा बटन आ रहा है बड़ा सा, ठीक है। इसकी साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हो, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया है आपको। लेकिन क्या होगा अगर आपको एक से ज़्यादा बटन इस स्क्रीन पे दिखाने हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर आपको स्क्रीन पे दिखाने हो तो आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है? यहाँ पे आप मतलब एक बटन को रिटर्न करा सकते हो क्या? ऐसे दो बटन आप ऐसे करके दोनों बटन को रिटर्न करा सकते हो? जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे आप क्या इसको ऐसे कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक बटन बना दिया, यहाँ पे मैं बटन टू, यहाँ पे बटन टू है और यहाँ पे मैं BTN 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे BTN 1 लिख रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे BTN 1 एंड यहाँ पे BTN 2 ऐसे करके यहाँ पे रन करा सकता हूँ, मतलब दोनों बटन दिखाने के लिए? तो यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। आपके माइंड में आएगा कॉमा से सेपरेट करके करो, तो यहाँ पे भी वो भी उसके लिए भी एरर आपको आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ठीक है, सॉरी इसको मैं कर रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप इसको एक लेआउट्स में, एक कंटेनर में रैप करो और उसके बाद उसको रिटर्न करो, जिससे क्या होगा वो कंटेनर में रैप हो जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग वो स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लेआउट्स का, ठीक है। आपको एक से ज़्यादा अगर आइटम्स को डिस्प्ले कराना है तो आप उसको लेआउट में बैंड करो और उस लेआउट को रिटर्न करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे काम आता है लेआउट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेआउट्स का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, लेआउट इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे kiwimd.uix.boxlayout, ठीक है। यहाँ पे लेआउट्स कई प्रकार के होते हैं, बॉक्स लेआउट, फ्लोट लेआउट, मतलब बहुत सारे लेआउट्स होते हैं। लेकिन इस अब मैं सारे कुछ लेआउट्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट लेआउट्स हैं सारे को कवर करूंगा, लेकिन अभी का पार्ट है बॉक्स लेआउट। बॉक्स लेआउट मतलब मैं पहला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉक्स लेआउट को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। बॉक्स लेआउट क्या करता है, एक मतलब ओरिएंटेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बॉक्स लेआउट बॉक्स के टाइप में उसको लेआउट को रैप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लेआउट वैसे एक वेरिएबल बनाऊँगा और इस लेआउट को यहाँ पे डिफाइन करूँगा, ठीक है। बॉक्स लेआउट तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन, कि आपको हॉरिजॉन्टली जितने भी आपको जितने भी एलिमेंट्स चाहिए हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ओरिएंटेशन आप लिख सकते हो, ओरिएंटेशन आप यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल ओपन हो रहा है, मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पे ओरिएंटेशन को डबल कोट्स में आप वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल और वर्टिकल लिख सकते हो और हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, आपको जो सा भी मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट्स बना लिया, यहाँ पे एक लेआउट्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं, आपके दोनों जो बटन्स हैं, आपको इस लेआउट्स के अंदर रैप करना होगा। तो क्या करना होगा, आपको लेआउट का जो आपने वेरिएबल बनाया है उसको लिखना होगा डॉट एड विजिट, एड विजिट फंक्शन को कॉल करके BTN 1 एंड इस ले दूसरा लेआउट, लेआउट जो आपने वेरिएबल बनाया है डॉट एड विजिट और BTN 2, आपको दोनों को इस बॉक्स लेआउट में रैप कर देना है, ठीक है।
तो मैं हम लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हो, उसमें हम लोगों ने बॉक्स लेआउट को डिफाइन किया, उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल रखा, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी इस लेआउट मेथड के, मतलब इस वेरिएबल के पास आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दो बटन डिफाइन किए थे, उसको क्या किया हम लोगों ने इसमें रैप कर दिया, मतलब इसमें ऐड कर दिया, जहाँ पे ऐड विजिट फंक्शन के मदद से इसमें हम लोगों ने लेआउट में ऐड कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इस लेआउट को हम लोग को रिटर्न करा देना है, एंड देन हम लोग अगर इसको रन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन वन एंड बटन टू, यहाँ पे आप बहुत सारे बटन ऐसे ही मतलब यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं और सारे बटन आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कम से कम यहाँ पे चार बटन्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार बटन्स को आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कई कितने भी सारे बटन्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है इसको कॉपी करो और इसको नीचे दो बार इसको यहाँ पे कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ पे BTN 1, BTN 2, BTN 3 एंड BTN 4 ऑल्सो, ठीक है। और इसके बाद आप इसको रन कराओ तो यहाँ पे आपको वर्ड, यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रहा है, BTN, अच्छा यहाँ पे मैंने दो बार 33 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से करके रन कराना होगा, तो आपको यहाँ पे चार बटन दिखेंगे, बटन वन, बटन टू, बटन थ्री एंड बटन फोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेलिंग्स आई होप सही हो, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करोगे तो आप उसका ऐसे मतलब लेआउट्स आएगा, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपने देख लिया, ठीक है। तो अब क्या करें, इसमें हम लोग को इस बीच में स्पेसिंग नहीं दिख रहा है, बहुत कम है। स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए एक और प्रॉपर्टी आता है, इसको वर्टिकल ही रहने देते हैं, जो ज़्यादा हम लोग को अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल ही रहने देते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, स्पेसिंग इसमें आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे 10 का दे रहा हूँ स्पेसिंग। तो इससे क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स के बीच में 10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इन सब के बीच में 10 मतलब पिक्सल का वो स्पेस आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पैडिंग भी देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है ना गाइस, यहाँ पे जितने भी बड़े करो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने इसके हिसाब से एडजस्ट हो जा रहा है, जितना भी ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम एडजस्ट हो जा रहा है। जितना छोटा करोगे यहाँ पे बटन्स की साइज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, यही है खासियत कीवी की, ठीक है। कीवी एकदम रिस्पॉन्सिव ऐप बनाता है, यहाँ पे जितना भी बड़ा करोगे उसके हिसाब से ये एलिमेंट्स एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग मतलब चारों तरफ से इसको पैडिंग, मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से पैडिंग, इस कॉर्नर से पैडिंग, स्पेसिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैडिंग यहाँ पे हम 10 पिक्सल का दे देते हैं, और इसके बाद हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर से भी आपको पैडिंग दिख रहा है 10 पिक्सल का, चारों तरफ से इसको पैडिंग दिख रहा है 10 पिक्सल का, ठीक है। आप यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और मतलब और अच्छी खासी होगी। तो यहाँ पे हम 50 पिक्सल का दे रहे हैं और इसको हम रन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारी जो स्पेसेस है, दैट्स ऑल अ पैडिंग, ठीक है। तो गाइस यहाँ से आप लेआउट्स के विषय में, बॉक्स लेआउट्स के विषय में आई होप सो आप जान गए होंगे, ठीक है। और अपने हिसाब से इसमें कुछ आप कैसे भी करके मतलब कुछ अच्छा सा बटन्स का कलेक्शन बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, जिसको देखने में थोड़ा बॉक्स लेआउट का फील हो, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको इसमें मैं नोट्स में दिया हूँ, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं नोट्स के साथ दूंगा गाइस, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन विंडो के कलर को और साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने इस नोट्स में लिखा है, तो मैं इसको यहीं पे समराइप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको अगर इसके कलर को, बैकग्राउंड को अगर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करना होगा, कीवी के कोर मॉड्यूल से विंडो को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इम्पोर्ट किया, तो यहाँ पे हम विंडो को What the
यहाँ पे विंडो को हम लोगों ने इम्पोर्ट करा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज डॉट क्लियर कलर, ठीक है। यहाँ से क्लियर कलर करने से जो प्रीवियस कलर होगा वो क्लियर हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टम कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने विंडोज डॉट क्लियर कलर इक्वल टू, आप कोई सा भी कलर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। 1111 मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बैकग्राउंड रेड मतलब वाइट हो गई, ठीक है। आप यहाँ से इसको RGB यहाँ से रेड भी कर सकते हो, इसमें सारे में आप 0 दे दो, जैसे RGBA वैल्यू ये लेता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो इस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड हो गई बैकग्राउंड, ऐसे करके आप कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई साइज की बात, जैसे कि आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर साइज में जाना चाहते हो कि मेरा जो ऐप खुले तो ये साइज में हो, जैसे यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ये इतना बड़ा साइज ले रहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा ऐप कुछ इतने साइज में ऐसे खुले, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे डेमो साइज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे विंडो डॉट साइज, यहाँ पे विंडोज और साइज है ना, हाँ विंडो डॉट साइज यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे विड्थ एंड हाइट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेमो में 360 दिया है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कितना दे दूँ, 720 330 720 कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसको रन कराओगे तो आपका ये साइज ये हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा मोबाइल फ़ोन का आ जा रहा है, लेकिन काफ़ी लंबा मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी साइज बाय डिफॉल्ट साइज आप घटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 520 मैंने दे दिया, अब आप शायद आप अच्छा दिखेगा, यहाँ पे देख रखते हो, यहाँ पे एक छोटी सी मोबाइल का साइज यहाँ पे ये ले लिया है, इससे आप यहाँ पे साइज भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के वीडियो में हम लोगों ने समरअप किया, क्या क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कीवी को इम्पोर्ट किया, मतलब कीवी का एक बेसिक वो बनाया, कीवी को इम्पोर्ट किया, फिर बटन को इम्पोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लेआउट्स को इम्पोर्ट किया, जितने भी हम लोग के मतलब बटन्स हैं और या कंपोनेंट्स हैं उनको रैपअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने विंडो को इंपोर्ट किया, विंडो का कलर और साइज़ को मतलब उसके साथ खेलने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने क्लास बनाया, क्लास बना के उसको ऐप को इनहेरिट किया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोगों ने बिल्ड मेथड डिफाइन किया, यहाँ पे भी आपको क्लियर होगा, पहले वीडियो में मैंने बता रखा है बहुत डिटेल में। उसके बाद हम लोगों ने लेआउट को डिफाइन किया, लेआउट को ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो इसके मतलब ओरिएंटेशन है, आप यहाँ पे सबको ट्राई कर सकते हो। स्पेसिंग दिया कि उनके बीच में कुछ स्पेस आए, पैडिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चार बटन्स डिफाइन करे, ठीक है, चारों को इस लेआउट में ऐड कर दिया ऐड विजिट के चलते, मतलब ऐड विजिट की मदद से। उसके बाद हम लोगों ने इस लेआउट को रिटर्न कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में अपने क्लास को कॉल कर दिया, दैट्स इट, हम लोग का प्रोग्राम रन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बॉक्स लेआउट का जो पोर्शन था यहाँ पे ये एंड होता है, और अगले वीडियो में हम दूसरे लेआउट्स के विषय में देखेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो को आप रिवाइज करिएगा, इस लेआउट्स के मदद से आप अलग अलग तरह के थोड़े कुछ डिज़ाइन करिएगा, जैसे मैंने लेबल बताया है और बटन्स बनाया, तो उस दोनों की कॉम्बिनेशन की मदद से आप कुछ ब्यूटीफुल सा बनाइए और कमेंट में उसको दिखाइए मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगले वीडियो में अगले मतलब दूसरे लेआउट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो उसके बाद हम KeeVMD पे जंप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टेल देम बाय बाय। और इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखोगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो यार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। और हाँ एक बात और, ये जो मैंने लिनक्स में यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा विंडोज टाइप ये आ रहा है, तो इसको कैसे करते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया, और ये आई बटन में और या डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। आज हम देखेंगे अगले लेआउट के विषय में, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में देखा था बॉक्स लेआउट के विषय में, तो आज हम कीवी में
ग्रिड लेआउट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ग्रिड लेआउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके कीवी ट्यूटोरियल में, बिकॉज ग्रिड लेआउट के मदद से आप कोई सा भी लेआउट अपने स्क्रीन पे बना सकते हो, कोई सा भी मॉडल अपने स्क्रीन पे बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ग्रिड लेआउट एकदम बॉक्स लेआउट की तरह है, लेकिन ग्रिड लेआउट में खासियत ये है कि आप एक ग्रिड की तरह जैसे रो एंड कॉलम के तौर पे अपने आइटम्स को अरेंज कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ये एक रो, ये कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, थ्री कॉलम, ये कॉलम है, और ऐसे ही मतलब यहाँ पे स्पेस मान लीजिए यहाँ पे एक ये रो हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, मतलब ऐसे अरेंज करके आप अपने जितने भी आइटम्स हैं उसको अरेंज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने नोट्स में यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्क्रीन है आपका, और यहाँ से ये जितने भी है ये सारे कॉलम्स में आएंगे, और ये ऊपर से नीचे का जितना भी है ये रो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे नोट्स में लिख रखे हैं, तो आपको मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाद में आप नोट्स से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए, इंपोर्टिंग द बॉक्स लेआउट फ्रॉम कीवी पैकेज, यहाँ पे बॉक्स लेआउट नहीं होना चाहिए, ग्रिड लेआउट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, तो आप इसे देख लेना। डिफाइनिंग द ग्रिड लेआउट मेथड इनटू योर क्लास बॉडी, एडिंग द विजेट इन योर ग्रिड लेआउट, बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपने बॉक्स लेआउट पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक बटन्स का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जैसा आप बनाते आए हो, तो हम जल्दी जल्दी इसको एक बटन का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ हमारा ये एक सिंपल बटन का प्रोग्राम बन चुका है, और इसे हम रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है बटन्स का प्रोग्राम बनाना, आप बहुत पहले से देखते आए हो, ठीक है। तो अब हम इसमें ग्रिड लेआउट को ऐड करेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से विजुअल हो, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, आप करते आए हो, तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, एक ग्रिड लेआउट को इम्पोर्ट करना होगा। जैसे आप UIX से आप मतलब बॉक्स लेआउट को इम्पोर्ट किए थे, वैसे ही आप ग्रिड लेआउट को इम्पोर्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें कोई यहाँ पे आप ग्रिड लेआउट मतलब यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप लेआउट को अपने आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, एक वेरिएबल लेआउट नाम का बनाओगे, उसके बाद हम ग्रिड लेआउट का यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे ये लेता है कॉलम्स एंड रो, ठीक है। तो आप अपना जो भी आइटम्स है रो एंड कॉलम्स के तौर पे आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रो लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, द ग्रिड लेआउट कंटेन द विजिट इन टू अ मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक फॉर्म में लेता है इन टू अ डिस्प्ले लाइक रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कॉलम्स में लेते हैं, कॉल्स एंड रोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रोज ही कर देते हैं, रोज इक्वल टू टू, ठीक है, यहाँ पे टू रो के कंपेयर में लेगा। तो यहाँ पे बटन हम चार बना देते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार बटन बना देता हूँ, ओके, और यहाँ पे इसको बटन्स के नाम को मैं 1, 2, 3 and 4 ऑल्सो, ठीक है, और यहाँ पे भी इसका नाम भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2, 3 and 4 ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बीच में थोड़ा स्पेसिंग देता हूँ आपको अच्छे से विजुअल हो, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3 and 4 बटन, ठीक है। तो इसके बीच में भी हमारा स्पेस हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसा कि आपको पता होगा बॉक्स लेआउट में क्या किया गया था, हम लोगों ने लेआउट में ऐड करेंगे जितने भी विजिट हैं हम लोग के, डॉट ऐड विजिट मेथड से, ठीक है। तो ये सिंपल आपको करना है, क्योंकि हम लोग को लेआउट में ऐड करना है जितने भी हम लोग वेरिएबल बनाए हैं बटन्स के, उसको हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग चार वेरिएबल बना रखे हैं, तो हम लोग चारों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीसरा एंड चौथा, ठीक है। अब क्या करना था आपको, सिंपली इसको लेआउट को रिटर्न करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट को रिटर्न कराया, एंड देन हम लोगों ने इसको रन कराया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने क्या किया था, आपको अभी समझ में आएगा। रो इक्वल टू टू, रो क्या है, रो यहाँ पे मैंने बताया है, ये रो है, मतलब एक दो रो हम लोगों ने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो रो में अरेंज हो गया है चार बटन,
आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पांचवा बटन बना देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। ये मतलब कैसे भी अपना अरेंज करेगा, यहाँ पे मैं पांचवा बटन बना दे रहा हूँ, पांच, ठीक है। और इसको BTN 5 बटन 5 कर दे रहा हूँ, बटन 5, ठीक है। और यहाँ पे चौथा है एंड इसको पांचवा, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बटन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पांचों बना दिया, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो रो में ही, यहाँ पे देखो आप, दो रो में ही ये अरेंज करेगा, जितने भी आइटम्स बढ़ाएंगे यहाँ पे इस बस ये दो ही रो में फिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे रो में ये मतलब नहीं जाएगा, यहाँ पे दो रो मतलब यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप दो रो में ही आप अपना जितना भी आइटम है उसको रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद अगर बटन बढ़ाऊँ तो इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में, लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरे ऐप में दो रो ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो रो हो गया। ऐसे कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो कॉलम से यहाँ पे कॉल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो COLS, तो ये कॉलम पे वो होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉलम के रूप में अरेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम पे आ गया, तो कॉलम पे क्या हुआ, हम लोगों ने कॉलम 2 लिखा है, ठीक है। तो ये दो कॉलम पे लेगा, यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, यहाँ पे जितने बढ़ाओगे बटन्स की संख्या ये नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलम को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि दो कॉलम ही आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी मदद से, क्योंकि कॉलम आपका यहाँ पे मैंने बताया रखा ना, ये कॉलम है, ये साइड, इस साइड वाला जितना भी कॉलम है, इधर रो है, रो अगर जितना करोगे तो रो मान लो मैंने 2 किया तो दो रो में ही अपने आप को ये एडजस्ट करेगा, कॉलम 2 किया तो ये दो कॉलम ही आप मतलब दो कॉलम ही यहाँ पे आएगा विजिट्स, बाकी सारे जितना भी आप आइटम बढ़ाओगे वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने बताया है कि चेंज द रो साइज, ठीक है। अगर आपको इसकी साइज को अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा रो और कॉलम्स में बीच कैसे यहाँ पे ये मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपने दो रो किया है, यहाँ पे कॉलम्स दो किया है, तो दो कॉलम्स यहाँ पे बस इसको दिखाएगा, तीसरा कॉलम ये नहीं बढ़ा पाएगा। अगर दो रो कर दिया है तो दो रो में ही, इन दोनों रो में ही जितना भी आप आइटम्स बढ़ाओगे सारे इस साइड की ओर, इधर की साइड की ओर बढ़ते जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जानी चाहिए, अगर आप इसको जी कॉलम्स की साइज है या रो की साइज है, अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने दे रखा है रो फोर्स, यहाँ पे रो फोर्स डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब आप फोर्सफुली रो फोर्स डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मतलब जितना भी जो साइज़ है ना मतलब इसकी रो की, उसको आप मतलब फोर्सफुली उसको अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें आप अपना साइज़ दे सकते हो, ठीक है। रो डिफॉल्ट हाइट, यहाँ पे आप हाइट अपने हिसाब से दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया रो डिफॉल्ट हाइट, यहाँ पे आप दे सकते हो, मान लीजिए मैंने 40 इसमें दिया है तो मैं 40 का ही यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस सारे रो की साइज को कम कर दिया, ऐसे ही आप कॉलम्स की मतलब साइज भी कम कर सकते हो, जैसे फोर्स रो फोर्स डिफॉल्ट लिखा है वहाँ पे कॉलम कॉल्स, यहाँ पे कॉलम नहीं लिखना है, कॉल्स लिखना है और रो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी साइज भी अपने हिसाब से कम कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, आप कितना छोटा रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा करके बड़ा करके आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपका जो ग्रिड लेआउट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो ग्रिड लेआउट में बस इतना ही गाइस, और इसको आप रिवीजन करना और कमेंट बॉक्स में अगर मुझे एक कैलकुलेटर का शक्ल देना, मतलब एक कैलकुलेटर के टाइप में एक लेआउट बना के देना, ठीक है। उसका डिस्प्ले वो वाला पार्ट नहीं, बस लेआउट मुझे कैलकुलेटर वाला बना के देना थ्रू अ ग्रिड लेआउट, ठीक है। ये आपका टास्क है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज ग्रिड लेआउट में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं यूज मतलब
इनपुट बॉक्स कैसे बनाएंगे अगले वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लें। सो टेक केयर एंड बाय बाय। यहाँ पे हम अपने कीवी में ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे कि कैसे आप एक मतलब टेक्स्ट इनपुट फॉर्म बना सकते हो, जैसा कि कुछ हम आज इस तरह का विंडोज़ बनाने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड और लॉगिन कुछ ऐसा फ्रेम बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम मतलब लेआउट का एक दो पार्ट अभी एक छूटा हुआ है जिसमें हम लोग लेआउट्स के बारे में कवर करेंगे, बिकॉज उसका नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मुझे नोट्स बनाना था। इस नाते इसके बाद वाला वीडियो वो मतलब दो लेआउट्स के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद .kv फाइल के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप .kv फाइल से अपना मतलब की भी ऐप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का पार्ट बस ये होने वाला कि आज हम टेक्स्ट इनपुट फॉर्म बनाएंगे और नोट्स आपका यहाँ पे है, यहाँ पे टेकिंग इनपुट वाया इनपुट फील्ड, ठीक है। इसको स्क्रैच से बनाएंगे हम, तो इसको हम यहाँ पे पूरा एम्प्टी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, इंपोर्ट करना है टेक्स्ट इनपुट फंक्शंस फ्रॉम kiwi.ux पैकेज, उसके बाद डिक्लेयर करना है, उसके बाद रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिंपल वही प्रोग्राम है जैसा आप बनाते आए हो। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप जैसे अपना एक प्रोग्राम बनाते थे सेम आपको वही करना है, ठीक है। तो मैं पहले तो जो सिंपल प्रोग्राम है उसको मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हम एक सिंपल जो टेम्पलेट होता है कीवी का वो बना रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग को इनपुट फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। तो इनपुट फॉर्म यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा है, जैसे यहाँ पे आप बटन यहाँ पे UIX टेक्स्ट इनपुट नाम का एक मेथड है, उससे आप करोगे। तो सबसे पहले आपको उसको इम्पोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम कीवी। एक मैंने एक्सटेंसन डाउनलोड कर रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ एक सेकंड, ये इसको मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, kiwi.uix से UIX से हम टेक्स्ट इनपुट को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट तो ये क्या करता है, एक इनपुट बॉक्स आपको देगा। तो सिंपली मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ईमेल वाला ही फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईमेल नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसमें टेक्स्ट इनपुट को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सारे चीज़ें रखा है, यहाँ पे टेक्स्ट जैसे कि आप बटन में करते थे सिंपल वैसे ही आपको वो करना है, मतलब डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताऊंगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ जो उसके अंदर टेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी अपना मैसेज। तो मैं इंटर योर ईमेल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं ईमेल को रिटर्न कराऊंगा तो कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जैसा यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं आप विशाल चौबे लिख दिया, तो मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें आप स्टाइल पैरामीटर आप दे सकते हो जो सा भी आपको मन करे, ठीक है। जैसा कि अगर आप इसकी टेक्स्ट साइज़ या कुछ भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, मैंने ऑलरेडी उसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो वो मैं अगर सारी चीज़ें अगर इसमें डिक्लेयर मतलब डिजाइनिंग करने लगूंगा तो काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए भी फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा टेक्स्ट इनपुट फील्ड कैसे काम करता है, लेकिन इसके बारे में मैं ये इनपुट लेके भी बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज का फोकस बस यही है कि टेक्स्ट इनपुट फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो बाद में हम कभी प्रोजेक्ट लाएंगे तो उसके हिसाब से हम और मतलब देखेंगे कैसा डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कैसे इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मैंने नोट्स में आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको नोट्स में नोट्स के हिसाब से मैंने दे रखी है। तो यहाँ पे मेरा पहला सा है यहाँ से इमेज, और यहाँ पे इमेज इंसर्ट अभी मैं और बहुत पूरा स्टार्टिंग से मैं बताया हूँ, ठीक है।
यहाँ पे एडिंग इमेज है, और यहाँ पे आप उसकी विड्थ साइज ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, मतलब पूरी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा विंडो साइज और जितना भी इसके अंदर पैरामीटर्स आता है मैंने सारे आपको दे मतलब बता रखा है, ठीक है। तो आप मेरा ट्यूटोरियल फॉलो करना तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो मेरे को आर्ग्यूमेंट हमको मिला, ईमेल और पासवर्ड। तो अगर हमको दोनों चीज लोगों को मैनेज करना है तो हमको एक लेआउट चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको दो लेआउट्स के विषय में, बॉक्स लेआउट और ग्रिड लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉक्स लेआउट यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होगी, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ लेआउट के बारे में, क्योंकि लेआउट का ट्यूटोरियल मैंने पहले दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेआउट को अपना डिफाइन करेंगे, बॉक्स लेआउट मैंने कर रखा, और इसको लेआउट में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेआउट डॉट एट विजिट ईमेल, और यहाँ पे लेआउट डॉट एट विजिट पासवर्ड, ओके। एंड देन लेआउट को हम रिटर्न कर देंगे, सॉरी लेआउट को हम रिटर्न कर देंगे। अगर इसको हम रन करा रहे हैं तो हम लोगों को आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, साइड बाई साइड यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड। तो ओरिएंटेशन हम इसका हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन यहाँ पे आप दे सकते हो, ओरिएंटेशन वर्टिकल, यहाँ पे इसको ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल कर दिया। अब यहाँ पे ये ऊपर नीचे करीब में आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी चिड़ियाँ चहचहा आ रही हैं, तो माइंड मत करिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने गेन कर लिया, उसके बाद अब सबमिट बटन को भी बनाना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, फ्रॉम कीवी डॉट क्यू आई एक्स डॉट बटन, ये मैंने बटन का ट्यूटोरियल बना रखा है तो वहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इम्पोर्ट करना होगा बटन, यहाँ पे आपने बटन इम्पोर्ट कर लिया। देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बटन भी बनाना होगा। तो सबमिट करके मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन यहाँ पे बटन मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं अभी एक बार और इस जितना भी मैंने कोड लिखा है उसका रिवीजन कराऊंगा, तो टेंशन अगर आपको कहीं भी थोड़ी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेंशन मत लेना, मैं अभी जस्ट बताऊंगा। तो इसमें हम दे देंगे लॉगिन जो लिख के आएगा, ठीक है। और इसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं लेआउट में, लेआउट डॉट ऐड विजिट, इसको सबमिट हो गया, ओके। हो गया हमारा पूरा काम, अब मतलब पूरा काम नहीं हुआ एक तरह से, यहाँ पे मैंने ईमेल पासवर्ड लॉगिन इतना हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था तो ये थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा था, इस सारे पार्ट को मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये लेआउट है और ये है आपका तीन बटन, और यहाँ पे आप सॉरी एक ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने लेआउट को डिक्लेयर किया, यहाँ पे आपका एलिमेंट्स है ईमेल पासवर्ड सबमिट, ठीक है। यहाँ पे आपने लेआउट को मतलब ऐड किया लेआउट में, और यहाँ पे आपने लेआउट को रिटर्न किया, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी है, जैसा मैंने बॉक्स लेआउट में बताया था एक पैडिंग करके आता है, पैडिंग यहाँ पे हम दे दे रहे हैं 50 का, डबल इनवर्टेड कॉमा में नहीं रहेगा, पैडिंग 50, ठीक है। तो पैडिंग क्या होता है, ये चारों तरफ से एक स्पेस देगा, यहाँ पे बॉर्डर से चारों तरफ से, उसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पैडिंग हो गया, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, स्पेसिंग दे सकते हो, स्पेसिंग आप कितना दे दो, 20 का स्पेसिंग मैं दे दे रहा हूँ, और पैडिंग को हम 150 का बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेआउट्स कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जो अभी इसका साइज मतलब अभी काफ़ी अच्छा देखने को दिख रहा है, ठीक है। इसका आप और सा पैडिंग इसको बढ़ा सकते हो, 200 का कर सकते हो, तो और थोड़ा छोटे में दिखाई देगा,
मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा भी आपको मन हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कुछ ऐसा ही दिख रहा था हमारा ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टाइलिंग का पार्ट ख़त्म, मतलब हम लोगों ने जो मुझे बनाना था डिज़ायर्ड आउटपुट हम लोगों ने बना लिया। ये सेम चीज़ें आप ग्रिड लेआउट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ट्राई करना, ठीक है। तो हम लोगों ने बॉक्स लेआउट के तौर पे किया, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाएगा, हम लोग इसमें जो हम लोगों ने जो हम लोग ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे उसको कैसे हम गेट करें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे हम इसको गेट करें, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने समझा और बाद में आपको पता चले कि मतलब नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स की चिंता नहीं लेनी है। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है। क्या करना होगा आपको, आपको सिंपली यहाँ पे जो बटन है उस पर ऑन प्रेस और ऑन होल्ड, ऑन प्रेस ऑन रिलीज मेथड होता है, जैसा मैंने बटन के ट्यूटोरियल में बताया था आपको, तो वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग अपना काम करते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, इन सारे को सेल्फ आगे लगा देना होगा। सेल्फ क्यों लगाना होगा गाइज, सेल्फ इस नाते लगाना होगा क्योंकि इसको हम लोग इस मेथड के बाहर भी एक्सेस कर सकें, इस नाते सेल्फ हम लोग को लगाना होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में इसका आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सेल्फ से सारे को डिनोट कर दिया, इससे हम लोग इस मैथ इस जारे जितने भी हम लोग ईमेल पासवर्ड हैं इसको मेथड के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको किया, तो यहाँ पे भी हम लोग को सेल्फ लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेल्फ डॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पूरा सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का जो यहाँ पे सबमिट है बटन है, ऑन प्रेस मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड हम बनाएंगे सेल्फ डॉट सबमिट, सबमिट btn, ठीक है। यहाँ पे सबमिट btn हम लोगों ने एक बना दिया, ये मेथड हम लोग को बनाना है इसके बाहर, ठीक है। तो इसके बाहर हम लोगों ने यहाँ पे def, यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है इसको कॉपी कर लिया जाए, सबमिट btn, यहाँ पे हम लोग इसको करें और इसके बाद इसको हम लोग डिफाइन करें। एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेगा ये और एक कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट, तो एक सेल्फ लेगा, एक कोई सा भी आप पैरामीटर आप पास कर दे सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली प्रिंट करा देना है जो हम लोग का आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईमेल इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या है, सेल्फ डॉट ईमेल, अब इसी को सिंपल हम लोग कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। योर पासवर्ड इज, योर पासवर्ड इज सेल्फ डॉट पासवर्ड, सिंपली हम लोग को ये लिखना है, देन हम रन कराएंगे और देखेंगे हमारा फंक्शन काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे हम ईमेल में अपना लिखेंगे विशू, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड में हम कुछ भी अपना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 123 लिख दे रहे हैं, ठीक है। देन हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो डॉट हम लोग txt हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट, इसको हम कट करते हैं और इसके बाद हम इसको फिर अगर वैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे आप ईमेल अपना लगाइएगा विशू और पासवर्ड हम लगाएंगे यहाँ पे 123, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपका जैसा दिख रहा होगा योर ईमेल इज विशु और योर पासवर्ड इज 123, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये इनपुट मेथड का जो है आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने मेथड में और अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये रहा टेक्स्ट इनपुट फील्ड के बारे में आज के ट्यूटोरियल में। कल में हम जो एक दो लेआउट्स हम लोग के बच रहे हैं उसको देखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम .kv लैंग्वेज .kv फाइल जो होता है जो कीवी में उसको देखेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस नाते प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना गाइस, और इस वीडियो पे जरूर बन लेना। तो इस वीडियो पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का बस यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है, तो अब अगले वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू द नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। इस वीडियो में हम दो तीन लेआउट्स के बारे में जानेंगे जो हम लोग पहले कवर अप नहीं कर पाए हैं, और काफी डिमांड के बाद ये मतलब वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इसमें हम दो तीन लेआउट्स के विषय में जानेंगे जो काफी इजी है गाइस और काफी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इस वीडियो में दो तीन लेआउट्स के बारे में बताऊंगा आपको, एंकर लेआउट, फ्लोट लेआउट, पेज लेआउट के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप पहले से करते आए हो वही चीज आपको यहां पे भी फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं फॉन्ट साइज यहां पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग पहले ऐप लिखते आए हैं बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसमें कोई जैसा आप करते आए उसको, मतलब मैं डेमो ऐप एक बना देता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमने एक सिंपल बटन का प्रोग्राम बना दिया है, और मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ कि मतलब ये सिंपल प्रोसेसर है जैसा आप एक बटन का एप्लीकेशन बनाते आए हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एंकर लेआउट के विषय में जानेंगे। यहाँ पे एंकर लेआउट का मैंने कुछ लिख रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, इस नाते मैंने बहुत कम नोट्स यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे अगर आप इसको कॉपी नोट्स वाला बनवाना चाहो तो मैं कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, लेकिन इसमें कुछ खास मुझे नोट्स वाला बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, इस नाते मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको एक मेंशन कर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसे आप प्रोसीजर अगले पिछले जैसे आपने ग्रिड लेआउट और बॉक्स लेआउट के बारे में पढ़ा, सिंपल वही काम करना है आपको, इंपोर्ट करना है लेआउट को। तो जैसे आप इंपोर्ट करते आए हो कीवी के UIX पैकेज से, कीवी के UIX से आप जो जैसे ग्रिड लेआउट सॉरी एंकर लेआउट, जैसे आप ग्रिड लेआउट पोर्ट करते आए हो वैसे एंकर लेआउट को भी आपको कर लेआउट, ठीक है। आप इंपोर्ट कर लिए एंकर लेआउट को, सिंपली आपको अब क्या करना है, मेंशन करना है अपने लेआउट को, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट नाम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसमें असाइन करूंगा अपना एंकर लेआउट को, ठीक है, एंकर लेआउट को, ठीक है। ये एंकर लेआउट कुछ प्रॉपर्टीज लेता है गाइज, ये आपके डेस्कटॉप पे आपके एप्लीकेशंस पे जो एप्लीकेशंस को मैनेज करता है वो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ऐसे करके इस फॉर्म में आपके जो भी वो है एलिमेंट्स हैं उनको असाइन करता है, ठीक है। जैसा यहाँ पे मैंने बता रखा है, यहाँ पे एंकर लेआउट एंकर एक्स और एंकर वाई का प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। मैंने राइट मेंशन किया है, बॉटम मेंशन किया है, वैसे ही राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ये चार पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है गाइस, आपको मैं इसको एक कॉपी कर देता हूँ, एक घंटा टाइप कौन करेगा, एंकर एक्स एंकर वाई, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बता भी रखा है आपको आपके लिए एंकर एक्स वर्टिकल एंकर और वाई हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये ऐसे ही असाइन करता है ये एलिमेंट्स को, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसको ऐड कर देना है अपने लेआउट में और यहाँ पे रिटर्न कर देना है लेआउट को, लेआउट को रिटर्न कर दिया हम हमने, और यहाँ पे लेआउट में ऐड कर देना है लेआउट डॉट ऐड विजिट और BTN1, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस यही करना है गाइस, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कुछ बात नहीं है, मैं एक बार और इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका, ठीक है। ये इसका इसका साइज बहुत बड़ा है, फुल स्क्रीन कर ले रहा है, इसका मैं साइज हिंट दे देता हूँ, पे आप साइज हिंट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों को नन कर दिया क्योंकि हम अपना डिजायर्ड साइज इसको देंगे, और इसका हम लोगों ने विड्थ विड्थ यार सजेशन नहीं दे रहा यार विड्थ दे दिया
40, ठीक है, और इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा यहाँ पे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। विड्थ मैंने काफ़ी कम दे दिया है, तो विड्थ मैं यहाँ पे 100 दे दे रहा हूँ, जिससे आपको विजुअल हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आ गया। तो ये कैसा है, काम करता है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंकर एक्स एक्सिस से ये राइट में गया, और एंकर वाई मतलब टॉप टू बॉटम इसने बॉटम को लिया, ठीक है। एंड मतलब ये इधर से इधर का एक्स एक्सिस हुआ, इधर से ऊपर से नीचे का वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कुछ ऐसा हुआ, हमने एक्स से इसको राइट में कर दिया, मतलब ये सीधे राइट में आ गया, और यहाँ पे एंकर वाई से इसको बॉटम में कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, राइट को यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको रन कराते हैं, तो ये इस साइड में आएगा। अभी आप देखना, ये यहाँ पे आ गया, लेफ्ट में आ गया, और टॉप यहाँ से ऊपर से यहाँ पे बॉटम पे आया है। इसको अगर हम यहाँ पे बॉटम को टॉप कर दें, तो ये टॉप पे आ जाएगा गाइस। जैसा कि यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो ये टॉप पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने स्क्रीन के चारों साइड में कहीं भी इसको पुशअप कर सकते हो। ये लेआउट का काम ज्यादा यार आता नहीं है वैसे, एक्सेप्शन है, मतलब आप यूज कर सकते हो। ज्यादा यूज ग्रिड लेआउट और बॉक्स लेआउट का ही होता है, लेकिन ये लेआउट आपको जानना चाहिए, ठीक है। इस नाते मैंने इसको बता दिया। तो इसमें कुछ है नहीं गाइस, बस यही चीज है, चार प्रॉपर्टीज लेता है ये, एंकर एक्स एंकर वाई पे राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके इसको असाइन कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमको, और ये लेआउट ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी नहीं करता गाइस। इसको अगर आप अच्छे से ना भी सीखो तभी कोई बात नहीं है, मतलब मैंने कवर अप कर दिया कि ये फुल ट्यूटोरियल होने वाला है। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है, हम लोग का फ्लोट लेआउट आता है, ठीक है। फ्लोट लेआउट क्या करता है गाइस, फ्लोट लेआउट जैसे सिंपल आपका एक तरह से आप कहीं भी अपना, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यूजिंग फ्लोट लेआउट यू कैन असाइन योर एलिमेंट स्किन एनी स्किन लोकेशन यूजिंग पॉस हिंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको इसका यूज करके ना आप अपने एलिमेंट्स को कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे इसको एंकर लेआउट को हटा के फ्लोट लेआउट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, फ्लोट लेआउट, और यहाँ पे भी फ्लोट लेआउट कर देता हूँ मैं, फ्लोट लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं हटा के फ्लोट लेआउट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा हटा देता हूँ और फ्लोट लेआउट कर देता हूँ, ठीक है। क्या बस हो गया गाइस, ठीक है। अब इसको हम रन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन यहाँ पे जगह यहाँ पे लेता है, ठीक है। इसको आप कहीं भी अपना कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे बटन में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है ना, पॉस हिंट या किसी का भी पॉस, मतलब इसका पोजिशन आप कहीं भी अपने डिजायर्ड अनुसार ये रख सकते हो, ठीक है। ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में लेता है ये, तो यहाँ पे सेंटर एक्स से आप इसको दे दो, सेंटर एक्स 0.5, एंड ये चीज आपने पढ़ रखा है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा पॉस हिंट प्रॉपर्टी को, ठीक है। मैं बस आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ, इस नाते मैं इसको राइट कर रहा हूँ। सेंटर y से आप दे सकते हो इसको, सेंटर y से आप दे देना इसको 0.6, ओके। और सेंटर x से सेंटर y से हम लोगों ने दे दिया इसको, और इसको हम ऐसे असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अगर हम इसको ये रन करें तो आप देख सकते हो सेंटर x से ये यहाँ से 0. हमने दिया 5, मतलब ये हाफ लिया, सेंटर एक्स से ये हाफ लिया, और सेंटर वाई से मतलब टॉप टू बॉटम इसने 0.6 लिया, मतलब एक स्टेप ऊपर लिया, ठीक है। तो आप अपने डिजायर्ड अनुसार इसको कहीं भी असाइन कर सकते हो सेंटर एक्स एंड सेंटर वाई की प्रॉपर्टी देके, ठीक है। तो अगर आप अपना कोई ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, एप्लीकेशन जिससे आप अपने एलिमेंट्स को अपने अनुसार इसको मतलब इसको रखो कि मुझे यहाँ पे रखना ऐसे ऐसे करके, खुद के अनुसार मैथमेटिक्स करके मेजर करो कि
हमको कहां पे रखना है। वैसे अगर आप रखना चाहो तो आप ये फ्लोट लेआउट का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल फ्लोट लेआउट का भी यूज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है फ्लोट लेआउट का यूज। मैं भी करता हूँ फ्लोट लेआउट का यूज, अगर हमको अपने अनुसार मतलब चीजों को असाइन करना हो, ठीक है, कि डेस्कटॉप पे मैं कहाँ पे रखूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं 0.7 दे दूंगा तो ये और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे और ऊपर आ गया 0. मतलब अगर 9 दे दूंगा तो मतलब ये अपने अनुसार आप इसको कहीं भी असाइन कर सकते हो। ये चीज आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स लगा के आप इसको कहीं पे भी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हल्का सा मैथमेटिक्स यूज करो और जहाँ पे एलिमेंट्स, जो सा भी एलिमेंट जहाँ पे रखना है आप उसको अपने अनुसार रख सकते हो, ठीक है। ये काफी मजेदार लेआउट है एक्चुअली, एंकर लेआउट, सॉरी फ्लोट लेआउट, ये काफी मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका भी कोड आप यहाँ पे सिंपल यही है, आप यहाँ पे इस राइट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, बस ये चीज करना है, ठीक है। तो इसमें भी कोई बहुत अच्छी मतलब लिखने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, सेंटर एक्स सेंटर वाई पोजिशन का कहाँ पे करना है। फ्लोट लेआउट का बस यही है कि आप कहीं भी अपने स्क्रीन पे कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हो। आई होप यहाँ तक भी फ्लोट लेआउट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे पेज लेआउट के बारे में जानते हैं। पेज लेआउट क्या करता है, तो पेज लेआउट को हम इंपोर्ट करते हैं पेज लेआउट, और यहां पे इंपोर्ट भी कर देंगे पेज लेआउट को। पेज लेआउट को हम लोगों ने इंपोर्ट भी कर दिया, और यहां पे पेज लेआउट को हम लोग यहां पे डिफाइन भी करेंगे पेज लेआउट, ठीक है। और उसके बाद पेज लेआउट को समझने के लिए आपको दो चीजें मतलब दो एलिमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पोजीशन हिंट को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एक बटन का प्रोग्राम बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेज वाइज इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको असाइन करता हूँ, पेज लेआउट भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, लोग यूज करते हैं, प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेज लेआउट को भी सिंपल यहाँ पे ऐसे करूँगा, और यहाँ पे BTN2 लिखूंगा। यहाँ पे हम BTN2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम BTN2 लिखेंगे, यहाँ पे BTN2 लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये पेज लेआउट हो गया। पेज लेआउट क्या करता है, यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट अलग कर दूं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने एक पेज पे विशाल लिखा, एक पेज पे चौबे लिखा। अगर मैं इसे रन कराता हूं तो आपको दिखेगा इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेज पे विशाल लिखा है, अगर इसको स्क्रॉल यहाँ से करोगे तो यहाँ पे चौबे लिखा है। मतलब एक पेज पे मतलब पेज वाइज ये डिफाइन हो गया, जैसे आपका कॉपी होता है वैसे डिफाइन हो गया, ठीक है। तो एक एक पेज में आप अपना अपना जो जो सभी एलिमेंट्स आप यूज करना चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। हालांकि मैं एक बात बता दूं, पेज लेआउट का यूज आप मतलब सिंगल नहीं करते हो, एक एक लेआउट के साथ करते हो। जैसे एक लेआउट में अगर आपने कुछ लिख दिया तो मतलब समझ रहे हो, तो पेज लेआउट एक लेआउट में आपने कुछ जैसे राइट कर दिया, जैसे बॉक्स लेआउट में आपने कुछ बना दिया, फिर दूसरे बॉक्स लेआउट में कुछ बना दिया, तो एक पेज वाइज इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पे मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा एक पेज लेआउट पे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये। एक सिंपल सा आपका कॉपी वाला पेज डिफाइन करूंगा इसमें, और देखने में एकदम फील होगा कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो काफी सही है पेज लेआउट भी। तो ये सारा था, दो तीन लेआउट्स के विषय में मैंने बता दिया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारे लेआउट्स के बारे में जानने के लिए। इस पर कुछ नोट्स वाला था नहीं गाइस, इस तरह मैंने इसको नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, कुछ नहीं था, बस सिंपल था, आपको इंपोर्ट करना है, यूज करना है जैसे आप पहले करते आए हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो में कुछ समझ में आया मतलब पूरा समझ में आया हो। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं मुझे और क्या करना चाहिए, मतलब और सजेशन दो यार, और मैं नया चैनल है तो कुछ कुछ सजेशन दो और मैं क्या लाऊं इस चैनल पे, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे होगे और वीडियो भी अच्छे से एंजॉय करके अब प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख रहे होगे। इस वीडियो में हम जानेंगे .kv लैंग्वेज के बारे में, जैसे कीवी में .kv फाइल होता है उसके बारे में सीखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कीवी वीडियो का, क्योंकि लगभग सारे एप्लीकेशंस ऐसे ही डेवलप किए जाते हैं .kv फाइल में।
ठीक है। अब आपको मैं समझा दूँ डॉट के वी फाइल जो होता है डॉट पाई मतलब एक्सटेंशन डॉट के वी वाला वो क्या होता है एक्चुअली में जैसे कि आप अगर HTML CSS जानते हो तो जस्ट लाइक अ CSS इसमें ये चीज़ होता है, मतलब एक तरह से मान के चलो अगर वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, एक तरह से जैसे आप CSS फाइल बनाते हो और उसमें मॉडलिंग करते हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो, वो चीज़ें आपका होता है डॉट के वी फाइल, ठीक है, जो आप मतलब डॉट CSS फाइल में लिखते हो, ठीक है। और इससे आप रेफरेंस ले सकते हो कि आप HTML फाइल के अंदर भी CSS की कोडिंग लिख सकते हो स्क्रिप्ट टैग लगा के, लेकिन अगर आपने उसका अलग फाइल बना दिया तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो उसी लेवल से उसी के बिहॉप पे ये डॉट के वी फाइल भी ऐसा ही कुछ काम करता है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या मतलब डॉट के वी फाइल क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है तो इस नाते इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना गाइज। और यहाँ पे मैं अभी अपना PC यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन में ही कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल यही प्रोसीजर आप अपने PC में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक्चुअली कहीं बाहर आया था तो इस नाते मैं वीडियोज़ ला नहीं पा रहा था, तो इस नाते मैंने सोचा यार अपने फ़ोन में ही बना के आपको ट्यूटोरियल पूरा करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। तो ये फाइल ये मैं पाइड्रॉयड एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसको यूज़ करना आपको भी जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसकी पूरी फंक्शनलिटी को आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम अपना फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो जो इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ अपना इंपोर्ट करें, ठीक है। तो हम जैसे कि अपना जैसे कि सिंपल ऐप बनाते हैं बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कीवी से ऐप को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद एक हम लोगों ने क्लास बनाया, क्लास माई ऐप कुछ भी बना सकते हो, माई ऐप, ओके, ये इनहेरिट करेगा ऐप को, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी गाइस, इस नाते मैं इसको पूरा डीप में समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर इसको पास कर दो सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे माई ऐप को रन कर दो, ओके, डॉट रन, रन मेथड से, ओके, हो गया गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा पास क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ डिफाइन अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको डॉट के वी फाइल से डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पास क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइथन का ट्यूटोरियल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कीवी का ट्यूटोरियल कर रहा हूँ। तो आई होप अगर आपको पाइथन आता हो तभी आपने कीवी सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, वरना पाइथन का आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आप जाके देखो, ठीक है। और बहुत जल्दी इस चैनल पे मैं लाने वाला हूँ, बहुत छोटे छोटे वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक्स पूरा क्लियर कर दूंगा ना कोई बकवास के, ठीक है। तो अब मेरे को सपोर्ट करते रहो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा पाइथन समाप्त कर दूंगा, आई थिंक मतलब कम वीडियोस में, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। जो आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जैसा पढ़ते हो बिल्कुल उस लेवल का पढ़ाऊंगा, ओके, ज़्यादा बोरिंग नहीं करूंगा। तो फिलहाल ये सब बातें रखते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। हम सेव करते हैं इसको एक फाइल में, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे कीवी, कुछ भी आप फोल्डर बना सकते हो अपना, ओके। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, इसको सेलेक्ट फोल्डर करते हैं और यहाँ पे हम demo.py फाइल बनाते हैं, ठीक है, demo.py, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फाइल को बना लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नया यहाँ पे न्यू हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको हम सेव करेंगे उसी फोल्डर में, ओके। तो यहाँ पे हम कीवी नाम से एक फोल्डर बनाया था हमने, तो कहाँ गया कीवी, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट फोल्डर करते हैं और इसका फाइल का नाम देते हैं, उस जो फाइल में हम लोगों ने बनाया था उसी का नाम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ my.kv, मैं बता रहा हूँ इसका नाम कैसे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने वहाँ पर नहीं बताया आपको, ठीक है। तो इसका नाम जो kv फाइल का नाम होता है ना, जो आपने सॉरी यहाँ पे ऐप बनाया है माई, ठीक है, ऐप के पहले जो सिंटेक्स आप लिखोगे, जैसे ऐप यहाँ के ऐप के पहले अगर जो सा भी आपने नाम लिखा है उसको स्मॉल लेटर में लिख के डॉट के वी फाइल का नाम बनता है, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, अगर मैं यहाँ पे लिखता माई एंड्रॉयड ऐप यहाँ पे लिखता तो इसका फाइल का नाम मुझे रखना पड़ता माई एंड्रॉयड, और वो भी पूरा स्मॉल लेटर में, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को, ठीक है। यहाँ पे जो सा भी आप नाम लिखोगे, मान लो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ ऐप के पहले
ठीक है, ऐप के पहले मैं अगर विशाल लिख रहा हूँ, मतलब कैपिटल वी रहेगा, विशाल लिख रहा हूँ अपना नाम, तो मेरा जो केवी फाइल होगा वो स्मॉल लेटर में विशाल डॉट केवी नाम से होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि केवी जो फाइल होता है उसका नाम मुझे क्या रखना है। ठीक है, जो सा भी आप क्लास का नाम दोगे, मेन क्लास का, उसका ऐप के पहले जो भी आप नाम लिखोगे उसको स्मॉल लेटर में लिख के आप केवी फाइल को बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐप ना भी लिखो तभी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐप होता है मतलब यहाँ पे रेफरेंस के लिए, ठीक है, ऐप यहाँ पे स्किप कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम अपना जैसा था माई ऐप नाम से, तो माई ही अपना ऐप बना के रखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अबे यार यहाँ पे हो गया, तो इसको हम माई कर देते हैं, तब ये ज़्यादा यहाँ पे माई ऐप हो गया। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ तक हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्या क्या चला है। ठीक है, हम लोगों ने केवी फाइल बनाया उसी फोल्डर में, और जो हम लोग का क्लास का नाम था उसी नाम से डॉट केवी फाइल बनाया। ठीक है, ऐप के पहले जो नाम था हम लोगों ने वो यूज किया। ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के इसको याद रखना, केवी फाइल का नाम वही होगा जो आपके क्लास का नाम होगा, लेकिन वो पूरा स्मॉल लेटर में होगा और ऐप के पहले का सारा चीज़ होगा। ऐप जो होगा, मान लीजिए आपने लिखा माई डेमो ऐप, तो माई डेमो नाम से ही आपका केवी फाइल होगा, ऐप उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो हम लोगों ने केवी फाइल बना लिया। ठीक है, अब केवी फाइल में अपना वो चीज़ स्टाइलिंग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स लेआउट को, सबसे पहले लेआउट की बात छोड़ो, हम लेबल यहाँ पे इंपोर्ट, मतलब लेबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोई झंझट नहीं रहती है, पूरा झंझट ही खत्म हो जाता है कि आपको ये इंपोर्ट करो वो इंपोर्ट करो, कुछ नहीं रहता, आप सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो लेबल के बाद यहाँ पे ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ऐसे करके मतलब इंडेंट करके उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू लाइन में इंटर करना होगा। ठीक है, सिंटैक्स कुछ ऐसा ही होगा, लेबल लेबल के अंदर हम जैसे पहले लिखते थे इक्वल टू हट जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़, ये जो सिंटैक्स होता है जैसे क्लास में आपके अंदर बॉडी में लिखते हो, सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे होगा टेक्स्ट, और उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे हट के, इक्वल टू हट के ये चीज़ ऑपरेटर, इसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, सॉरी, ये ऑपरेटर डबल डॉट वाला ये ऑपरेटर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट में हम लिख दे रहे हैं अपना नाम, हेलो हेलो कीवी, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसको अपन सेव कर देते हैं, बस आपका लेवल डिफाइन हो गया। अगर आप इसे रन कराओगे यहाँ पे, अगर आप इसे रन कराओगे तो यहाँ पे आपके मिड में लिख के आएगा हेलो कीवी, आपका एप्लीकेशन रन कर गया गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है, बस यही चीज़ें, दो चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले पहला चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जो भी आपका क्लास का नाम होगा वही आपका डॉट केवी फाइल का नाम होगा। ठीक है, ऐप के पहले वाला, ठीक है, और पूरा वो स्मॉल लेटर में रहेगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखना है गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके अंदर, हम यहाँ पे जो इक्वल टू का सिंबल लगाते थे लेबल, उसके पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट इक्वल टू, ये उस सिंटेक्स को हट के आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। जो इक्वल टू वाला होगा इसका मतलब होगा लेबल के अंदर, मतलब यहाँ पे लेबल और उसके बाद डबल ये इसके अंदर हम लिख रहे हैं, मतलब इसका होगा लेबल के अंदर हम टेक्स्ट को डिफाइन कर रहे हैं, और टेक्स्ट के, टेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू जैसे लिखा रहा था टेक्स्ट इक्वल टू हेलो कीवी, तो हम टेक्स्ट के बाद ये डबल कॉलन लगा के इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल ये प्रोसीजर होगा। और इन, अगर आप कीवी सीख रहे हो तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिक्स था कीवी का, अगर आप लोग मतलब वो से बेसिक्स क्लियर होते हैं, लेकिन अगर आप अगर इसको यूज कर रहे हो अपने मतलब डेली लाइफ में और प्रोग्रामिंग में, तो आपको यही अप्रोच फॉलो करना होगा क्योंकि यही स्टैंडर्ड अप्रोच है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेआउट बना के उसमें एक क्लास और एक लेवल बनाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सारे चीज़ों को हटाते हैं और यहाँ पे बॉक्स लेआउट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम बॉक्स लेआउट, कुछ नहीं करना, सिंपल यही प्रोसीजर है आपका। बॉक्स लेआउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं, ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन पे हम क्या देंगे, वर्टिकल। ठीक है, और ये ओरिएंटेशन बॉक्स लेआउट अगर नहीं पता है तो आप मेरी ट्यूटोरियल फॉलो नहीं की हो, डायरेक्ट जंप की हो, तो मेरा ट्यूटोरियल फॉलो करो, कीवी का प्लेलिस्ट मेरा फॉलो करो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। बहुत ही कम वीडियोज़ में मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया बहुत कम समय में। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन हम वर्टिकल लिख देते हैं,
यहाँ पे दो ओरिएंटेशन होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैंने ये सब पढ़ा रखा है ठीक है, तो इस पर आपको आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम एक लेवल डिफाइन करेंगे, तो लेवल, और लेवल के अंदर हम कुछ भी अपना जो टेक्स्ट देना होगा हम टेक्स्ट देंगे ठीक है, तो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हेलो कीवी ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये दिया, तो अब यहाँ तक देखते हैं हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे और देखेंगे ये चीज़ मेरा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हेलो कीवी आ गया ठीक है, तो बॉक्स लेआउट का क्या काम है, इसमें हम और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है कि लेआउट्स का क्या काम होता है ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो इसके अंदर हमको ले जाना है, तो इस नाते हम इस लेआउट के मतलब सीरियल में ही अपना वो चीज़ डिफाइन करेंगे ठीक है। तो हम इसके अब देखो यहाँ पे मतलब हम इस लेवल के अंदर ये चीज़ डिफाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे है ये चीज़ एरो, इसका मतलब हुआ हम लेवल के अंदर डिफाइन करेंगे, लेकिन हमको लेवल के अंदर अब दूसरा एलिमेंट्स नहीं रखना है, हमको अब लेआउट के अंदर दूसरा एलिमेंट रखना है, इस नाते इसको हम लेआउट के अंदर रखेंगे, बॉक्स लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे हम बटन लिखेंगे, बटन ठीक है, और बटन में हम एक टेक्स्ट देंगे, ये सारा बटन और ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी ठीक है, और बटन में हम देंगे क्लिक मी, क्लिक मी, ओके अबे यार क्लिक मी हो गया ठीक है। अब इसके सेव करेंगे, ये सिंटैक्स आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये सेम है जैसा कि अगर आप करते आए प्रोग्रामिंग पाइथन में, तो बिल्कुल ये परेशान नहीं करेगा आपको, बिल्कुल वही सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन इसको अलग थोड़े से स्ट्रेटजी में लिखा जा रहा है ऐसे करके ठीक है, जैसे आप पाइथन में प्रोग्राम करते आए वैसे करके, इक्वल टू पैरेंथेसिस का ये सारी चीज़ें झंझट हट जाती हैं इसमें, बिल्कुल आपको बस इंडेंटेशन इंडेंटेंट करके सॉरी, और आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम रन कराएंगे और आपको ये मतलब पता चलेगा कि कैसा है, यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकली में हेलो कीवी आ रहा है और नीचे क्लिक मी बटन आ रहा है ठीक है। ऐसे करके आप बहुत सारे एलिमेंट्स अपने इस लेआउट में ऐड कर सकते हो और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकते हो गाइस ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, अगर जितना भी अगर प्रोजेक्ट होगा फ्यूचर में सारा इसी से ही रिलेटेड होगा, और जैसा आपका स्लैश स्क्रीन होता है और मल्टीपल स्क्रीन होते हैं, सारे की जो फंक्शनैलिटी होती हैं ये ऐसे ही होता, मतलब इसी .kv फाइल में ही वो सारी चीज़ें स्क्रीन मैनेजर ये सारी हम डिफाइन करके डबल कई सारे मल्टीपल स्क्रीन्स का प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं है तो एक आध बार और वीडियोस को देख लेना आप, अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करके बताना, तो मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा और उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया, आई थिंक आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से जहाँ जहाँ ना समझ में आए आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं इंस्टा आईडी और मेरा जो भी सोशल हैंडल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आपका जो भी डाउट्स हो गाइस बिल्कुल इसको पूछो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला ठीक है। तो इसको एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से इसको कंसिडर करो और पूरा तरह से इसको मतलब समझो ठीक है, क्योंकि अगर आप कीवी एमडी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको इसकी बिल्कुल भी मत करना, और इसको आप एक आध दो दस पंद्रह बीस बार रिवाइज करो ठीक है, आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो मैंने अपना मतलब पूरा अपना वो दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, और हाँ गाइस इसका मैंने नोट्स नहीं बना रखा है, एक्चुअली मैंने जितना मतलब उसका नोट्स बनाना छोड़ दिया था उस टाइम, जो थोड़ा सा वो हो गया था, थोड़ा फीवर हो गया था ठीक है, तो नोट्स नहीं बनाया हूँ मैं ठीक है। तो हालांकि इसमें नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, मैंने जो जो बताना सारी चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने पिछले मतलब चैप्टर में पढ़ रखा है, जिसका नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस ये दो तीन चीज़ें हैं कि उसका नाम क्या होगा जो मैंने आपको बता दिया, तो हालांकि कुछ इसमें नोट्स वाला है नहीं, लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इसका नोट्स भी बना दूंगा ठीक है। तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसका नोट्स ज़रूरत होगा, क्योंकि मैंने जितना भी चीज़ें थी मैंने बता दिया, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मैं बनाया नहीं हूँ नोट्स, तो इस नाते मैं मतलब वीडियोस नहीं बना रहा था, सोच रहा था नोट्स बना के फिर वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा यार ऐसे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और आप लोग का मतलब आप लोग पीछे हो जाओगे, इस नाते मैंने वीडियो बना दिया। अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, मैं बना दूंगा नोट्स ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड अगर इस डायरेक्ट इस पे आए हो तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, इसके बारे में अगर रिव्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो
तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब एक स्क्रीन में से दूसरे स्क्रीन में कैसे जा सकते हैं। ये हर एक ऐप में यूज होता है, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ऐप डेवलपमेंट में कि आप स्क्रीन टू स्क्रीन कैसे स्विच कर सकते हो। जैसा कि एक डेमो के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर ये एक मेरा ऐप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो ये मैं डॉक्यूमेंट्स वाले पेज में चला आऊँगा, फिर बैक पे क्लिक करूँगा तो फिर मैं प्रीवियस पेज में चला आऊँगा। तो मतलब ये पेजिनेशन कैसे होगा ये कीवी ऐप में, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और एक तरह से ये कह सकते हो कीवी का लास्ट वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आप प्रोजेक्ट पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, लगभग जितने भी बेसिक सारी चीज़ें थी हम लोगों ने कीवी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे स्विच करेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके मतलब इसके बाद आप लोग को मेरी अगर राय मानो तो इसके बाद आपको कीवी एमडी सीखनी चाहिए, जिसकी ट्यूटोरियल मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम एक आध दो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिससे आपका कीवी कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग कीवी एमडी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, क्योंकि कीवी एमडी में बहुत सारे कोड ऑलरेडी लिख दिए गए हैं जो हम लोग को लिखना ना पड़े, ठीक है। तो वो मटेरियल डिज़ाइन के साथ आता है, काफ़ी सही है। तो ये सारी बातें साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और कीवी जो कीवी का चेंजिंग स्क्रीन है उसको लॉजिक लिखते हैं। साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे नोट्स आपको दिख रहा होगा, तो फिलहाल नोट्स को भी साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम अपने फोल्डर में जाते हैं। मुझे डॉक्यूमेंट्स में अपने बनाया हूँ कीवी फोल्डर, ठीक है। ये फाइल्स मैं डिलीट करता हूँ, मैं शुरू से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टर्मिनल अपना ओपन करना और यहाँ पे आप कोड डॉट मतलब विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो तो मतलब ऐसे कर सकते हो, बाकी अपना कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करो, आपकी प्रेफरेंस रहेगी, ये आपका मतलब चॉइस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने पहले बना रखा था, इसको मैं हटाता हूँ, कैश मेमोरी में वो बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ डेमो डॉट पाई, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं कोई भी एप्लीकेशन बनाने में कीवी का, सबसे पहले हम लोग कीवी का बेसिक ऐप बनाते हैं। तो ये हम लोग काम करते आए हुए हैं तो इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसा कि फ्रॉम कीवी डॉट ऐप, इम्पोर्ट ऐप, ये सारे चीज़ तो हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जल्दी जल्दी अपना ये समअप करते हैं, क्लास बनाते हैं, माई ऐप कोई सा भी नाम दे सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप करते आए हो अभी, डेव बिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे माई ऐप को कॉल कर देते हैं, माई ऐप को कॉल कर देते हैं हम, ठीक, रन मेथड की मदद से। यहाँ तक का आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रन कर रहा हूँ इसको तो मेरा कीवी का एक बेसिक ऐप जो है ब्लैंक स्क्रीन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ऐप आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको पता होगा, यहाँ पे आप पास भी लिख सकते हो, रिटर्न कुछ ना भी कराओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पास मैं लिख देता हूँ, पाइथन पढ़े हो तो पास का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। सेम वही काम करेगा, मतलब नहीं सॉरी, यहाँ पे अभी कुछ एप्लीकेशन नहीं है, मैं पास करा दिया हूँ, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन रिटर्न कराया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होगा, यहाँ पे आप जैसे पता होगा आप रिटर्न लेबल कराते हो तो स्क्रीन पे कुछ लिखा आता है, मतलब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको पता होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या मुद्दा है कि हम लोगों को मतलब पेजिनेशन करना है, कैसे पेज बना सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा कोड लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या है, मैंने स्टेप्स लिखा है, इंपोर्टिंग द स्क्रीन एंड स्क्रीन मैनेजर फ्रॉम कीवी डॉट यू एक्स पैकेज, ठीक है। उसके बाद केवी फाइल में अपना लॉजिक लिखेंगे। तो केवी फाइल के बारे में मैंने बता रखा है तो आपको उस पर मतलब देख लेना चाहिए प्रीवियस वीडियो, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको पहले कट करते हैं, और सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीन और स्क्रीन मैनेजर को इम्पोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स डॉट स्क्रीन मैनेजर, अभी मैं बता रहा हूँ स्क्रीन मैनेजर है क्या चीज़, स्क्रीन मैनेजर इम्पोर्ट, पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं स्क्रीन एंड स्क्रीन मैनेजर आल्सो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप कोड लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन क्या होता है, जैसा कि आप जितना भी स्क्रीन बनाओगे, ये स्क्रीन है यहाँ पे, ये आप इस सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दूसरा स्क्रीन आ गया, मतलब स्क्रीन है जो मल्टीपल स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन मैनेजर उस स्क्रीन को मैनेज करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको बताया था, ये जो आपका ये है होम स्क्रीन है आपका, ठीक है। अब मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा तो ये डाउनलोड स्क्रीन है, तो ये सारी स्क्रीन है जो स्क्रीन का काम करता है। और स्क्रीन मैनेजर इसको जो मूव कर रहा है, जैसे ये खोलोगे तो ये आ जा रहा है, ये खोलोगे तो ये आ जा रहा है, तो इसको जो मैनेज करता है स्क्रीन मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन और स्क्रीन मैनेजर का बात पता चल गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी डिफाइन करते हैं, अभी क्लास बनाते हैं अपने दोनों स्क्रीन का। मान लो मेरा पहला स्क्रीन है होम स्क्रीन, होम स्क्रीन, ठीक है। तो हम होम स्क्रीन नाम से पहला हमारे जो स्क्रीन रहेगा वो होम स्क्रीन नाम से रहेगा, और ये इनहेरिट करेगा किसको, स्क्रीन को, ठीक है। तो ये हमारे एक स्क्रीन बन गया, इसमें फिलहाल हम कुछ लिखते नहीं हैं, अभी बस पास लिख देते हैं। और दूसरा हमारा जो स्क्रीन है होगा वो होगा होम स्क्रीन सेकेंड, होम स्क्रीन और फर्स्ट स्क्रीन लिख दे रहे हैं, फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। ये भी स्क्रीन को इनहेरिट करेगा, ये दोनों स्क्रीन है गाइज, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ पे मैं इसके अंदर अभी कोई लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, ये दोनों स्क्रीन है, ठीक है। मतलब जैसा मैंने स्क्रीन के विषय में डेफिनेशन किया, और एक स्क्रीन मैनेजर बना देते हैं, ठीक है। क्लास मैनेजर, मैनेजर किसी की कोई भी नाम दे सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो नाम दे रहा हूँ वही आप नाम दो, ठीक है। स्क्रीन, एक स्क्रीन मैनेजर को हम लोग डिफाइन कर दिए और इसको भी हम लोग पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का काम हो गया, ठीक है, मतलब कीवी का, मतलब डॉट पाई फाइल का। अब हम लोग का क्या काम करेंगे, अब हम लोग का काम रहेगा डॉट केवी फाइल के अंदर लॉजिक लिखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे my.kv, ठीक। अब बताऊँ कैसे लिंक होता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है उसी को स्मॉल में लिख के डॉट के वी फाइल बनाओगे तो इससे लिंक हो जाएगा। अगर आपको इस पर डिटेल पे चाहिए तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, उसमें मैंने सारे चीज़ें बता रखा है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे डॉट के वी फाइल में, पहले जो हम लोग ये जो स्क्रीन मैनेजर है जिस नाम से, उसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके अंदर दोनों स्क्रीन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्क्रीन मैनेजर के अंदर हम अपने दोनों जितने भी जो होम स्क्रीन है और फर्स्ट स्क्रीन है इनको डिफाइन करेंगे, ताकि ये मतलब दोनों इसके अंदर हो, मैनेजर के अंदर दोनों काम करते हों, ठीक है। मैनेजर एक तरह से मान लो किसी स्कूल का मैनेजर है और इसके मैनेजर के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो सारे काम करते हैं, ये एग्जांपल था। मैनेजर स्क्रीन को मैनेज करेगा और जितने भी स्क्रीन है इसके अंदर डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हो, आपको जितने भी स्क्रीन हो यहाँ पे आप पहले इनिशियलाइज करोगे कि ये सारी को मैनेजर करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस होम स्क्रीन को फर्स्ट स्क्रीन के अंदर लॉजिक लिखेंगे अपना, क्या लॉजिक होगा। तो ये पहली बात तो ये हम लोग का होम स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन एक क्लास है, जहाँ पे मैंने हम यहाँ पे बना रखा है क्लास है, तो क्लास को डिनोट करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथिसिस, सॉरी इसको ब्रैकेट कुछ भी बोलते हैं, भूल गया इसका नाम, और इसके अंदर अपने इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, और क्लोज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स हो गया, मतलब हम इस होम स्क्रीन वाले क्लास को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है नेम, मतलब ये इसका नाम क्या रहेगा, इसके मतलब इसका पहचान क्या रहेगा, होम स्क्रीन का डॉट के वी फाइल में इसका पहचान क्या रहेगा। तो पहचान के लिए नाम हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे आईडी आप दे सकते हो और आईडी देते हो, ऐसा यहाँ पे इसका पहचान नाम रहेगा, लाइक दैट यूजर नेम, ठीक है, ये एक मतलब यूजर नेम टाइप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं होम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, होम कुछ भी आप लिख सकते हो, ये नाम यूजर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे होम हो गया, ठीक, एक स्क्रीन बन गया। फिर दूसरा स्क्रीन हम लोग, जैसा कि हम लोग का है फर्स्ट स्क्रीन, उसको भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन को भी डिफाइन कर दिया, ठीक, फर्स्ट स्क्रीन को भी डिफाइन कर दिया, इसका नाम मैंने फर्स्ट ही लिख देता हूँ, फर्स्ट, ठीक।
तो यहाँ तक हम लोग का पूरा काम हो गया, मतलब पूरा काम नहीं हुआ, मतलब मैंने क्या किया, दोनों क्लास हैं जो स्क्रीन वाले, उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक का नाम मैंने होम रखा, दूसरे का नाम मैंने फर्स्ट रखा, ठीक है। अब क्या करते हैं यार, मतलब स्क्रीन के अंदर कुछ तो मुझे एलिमेंट बनाना होगा, जैसे मतलब वो दिखे, ठीक है। तो मैं एक बटन ही बना देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। तो मैं बटन बना देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक लेबल बना के आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा मतलब रन करके दिखा दूंगा, जिससे आपको मतलब नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। लेबल यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, और लेबल के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट हेलो, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, मतलब उसके बाद मैं आगे का लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे हेलो लिख के आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। और सेकेंड स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा सेकेंड स्क्रीन में जाने का, ठीक है। तो इस नाते ये नहीं आ रहा, तो मैंने बस रन करके आपको दिखाना था कि ये रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लेबल लिखा, तो लेबल को हटाते हैं, लेबल का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बटन लिखेंगे, क्योंकि बटन की मदद से हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बटन मैं लिखता हूं, और बटन के अंदर बटन का वो प्रॉपर्टी होगा, जैसा कि मैंने बता रखा है आपको बटन के ट्यूटोरियल में, तो आप वहां से प्रॉपर्टी उसकी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बटन हो गया, ठीक है। बटन के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट स्क्रीन, मतलब ये बटन प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट स्क्रीन में जाओगे, ठीक है। और बटन के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है ऑन रिलीज ऑन, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने बटन के ट्यूटोरियल में पढ़ रखा है, तो मैं इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं, मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ऑन रिलीज मेथड होता है बटन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन रिलीज, ठीक है। ऑन रिलीज के अंदर हम लोग अपना लॉजिक वो लिखते हैं जो मतलब बटन के प्रेस होने पे जो एक्शन परफॉर्म हो उसको ऑन रिलीज के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब मेरा मेथड क्या होना चाहिए कि मैं ऑन रिलीज पे जब मतलब बटन पे क्लिक करूँ तो मैं अपने सेकंड स्क्रीन में पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ये लिखना पड़ेगा ऐप, जो पूरा ऐप है ऐप डॉट रूट, मतलब पूरा रूट जो है रूट फोल्डर एक तरह से, मतलब पूरा ऐप कहाँ पे किस स्टेज में पहुंच जाए, app.root.current मतलब अब किस लोकेशन पे पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना वो लिखेंगे किस स्क्रीन पे पहुंचे, फर्स्ट, ये जो दूसरा स्क्रीन है फर्स्ट स्क्रीन, इसका नाम क्या है फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब इसको प्रेस करने पे हमारा जो ऐप है कहाँ पे पहुंच जाए, फर्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाए, इसका मतलब ये होगा app.root.current यहाँ पे इस बटन पे प्रेस करने पे मेरा जो ऐप है वो फर्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाए, ठीक है। अब फर्स्ट स्क्रीन पे पहुंच गया, लेकिन एक एनिमेशन होना चाहिए ना, जैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हो तो एक एनिमेशन के थ्रू जाना चाहिए, जैसे स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, एक एनिमेशन होना चाहिए। तो एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, root.manager.transition.direction। इसका आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी रन करा के दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं लेफ्ट दे देता हूं, ठीक, लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर मैं टेक्स्ट इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे स्क्रीन पे पहुँचेगा, लेकिन जो एनिमेशन होगा वो लेफ्ट से जाएगा, ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं अभी इसको रन करा के दिखाता हूँ, मतलब रन करा के दिखा देता हूँ यार क्या उसमें वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको दिखा हुआ फर्स्ट स्क्रीन, जब जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सेकंड स्क्रीन में पहुँच गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे आप देखे होंगे एनिमेशन एक आया होगा, देखो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर से ऐसे स्वाइप होते हुए गया, ठीक है। ये ट्रांजिशन का काम है। अगर यहाँ पे मैं राइट लिख देता, लेफ्ट के जगह राइट लिख देता, ठीक है, तो ये क्या होता है राइट से जाता, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या होता राइट से जाता, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है, आप लेफ्ट राइट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो इसको मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट से जाएगा।
तो हम लोग का होम स्क्रीन का लॉजिक हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, जैसे अगर मैं सेकंड स्क्रीन में आ गया तो मुझे फर्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए बैक बटन भी होना चाहिए, उसको भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सिंपल यही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, सिंपली आपको बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बटन बना दिया, बटन के अंदर आपने बटन का नाम कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे बैक लिख दो, बैक आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। और उसके बाद ऑन रिलीज मेथड आप लिख दो, ऑन रिलीज में आप अपना वो app.root.manager जो आपने लिखा है वही app.root.current। आप किस स्क्रीन में जाना चाहते हो, किस स्क्रीन में जाना चाहते हो बताओ, किस स्क्रीन में, होम स्क्रीन में, मतलब बैक फिर अपने होम स्क्रीन में जाना चाहते हो तो होम लिख दो, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना ट्रांजिशन ऐड करोगे, root.manager.transition.direction इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करोगे राइट लिख दोगे, जो भी आपको ट्रांजिशन देना हो, ठीक है, तो राइट थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट, ठीक हो गया, राइट दे देगी। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आप लिख दोगे। अब इसको रन कराओगे आप तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन क्लिक करोगे, यहाँ पे बैक आएगा, बैक आओगे ऐसे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये मल्टीपल स्क्रीन, ऐसे आप बहुत सारे स्क्रीन बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके अंदर आप बहुत सारे लॉजिक लिख सकते हो, ग्रिड लेआउट लगा के आप एक लॉगिन फॉर्म बना सकते हो, साइन अप फॉर्म बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, वैलिडेशन लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ये मतलब कोर लॉजिक है कैसे आप चेंज स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ही मुझे बताना था आपको कि कैसे आप इसको ट्रांजिशन चेंज कर सकते हो और स्क्रीन कैसे चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद एक आध दो एक प्रोजेक्ट आएगा, उसमें आपको सारी जितनी भी आप लोगों ने सीखा वो सारी इंप्लीमेंट होके आएंगी, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में आएंगी, ठीक है। तो एक आध मैं छोटा प्रोजेक्ट पहले लेके आऊंगा, उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट कभी बाद में लेके आऊंगा, छोटा प्रोजेक्ट में आपको सारी चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोग ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो खुद से एक ऐप बनाओ, लॉग इन ऐप बनाओ और मेरे ईमेल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक भेज दो और मैं आपको देखता हूँ और आपको अगले वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और जितना मैंने बताया अगर आपने पूरा फॉलो किया है तो आप एक ऐप डेवलप कर सकते हो, आराम से एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कीवी एमडी पे जंप करा जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीवी का ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस एक आध प्रोजेक्ट लाना है, बस ख़त्म हो गया है, ठीक है। और मैं बोलूँगा प्रोजेक्ट आप बनाओ, ठीक है, आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं बनाऊँगा प्रोजेक्ट लेकिन पहले आप बना लो, ठीक है, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट एक लाऊँगा। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है, अगर ट्यूटोरियल फॉलो किया है, 10 वीडियो का ट्यूटोरियल है अगर आपने फॉलो किया है तो आप कीवी सीख गए हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कीवी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, आप अगर यहाँ तक फॉलो किए हो तो आप कीवी सीख गए हो टोटल, ठीक है, कंप्लीट सीख गए हो, बस आपको अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है प्रोग्रामर वाला और अपना ऐप बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कीवी एमडी पे जंप किया जाएगा और अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। कीवी एमडी मतलब मटेरियल डिजाइन के साथ आता है और काफ़ी सारे कोड पहले से लिख दिए गए रहते हैं जो आपको लिखना नहीं पड़ता है और काफ़ी अच्छा मतलब लुक देता है, ठीक है, और कम कोड में अच्छा आप आउटपुट जनरेट करते हो। तो इसके बाद हम लोग कीवी एमडी पे जंप किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से कीवी का जो ट्यूटोरियल वाला पार्ट है ख़त्म होता है, इसके बाद हम प्रोजेक्ट एक आध लाएंगे लेकिन ट्यूटोरियल वाला पार्ट ख़त्म होता है कीवी का। तो यहाँ तक आपको वीडियो आई थिंक आई होप समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो में हम जानेंगे एक टॉपिक छूट गया था, जैसे बिल्डर मेथड क्या होता है कीवी में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है कीवी में जिसकी मदद से हम अपनी ऐप्स को अच्छे से डिप्लॉय मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई नोट्स नहीं जरूरत है तो इस नाते मैंने नोट्स नहीं बनाया है इसका, ठीक है, मैं आपको बस एक छोटा सा टॉपिक था इस नाते मैं बताने के लिए इस वीडियो छोटा सा वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बिल्डर के बारे में भी और जानने के लिए, पहले हम लोग एक अपना ऐप बनाए, ठीक है, तो हम लोग को जैसे अपना ऐप बनाते आए हो वैसे एक ऐप बनाओ, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं गाइज, बिल्डर मेथड जैसे आप पहले भी बिना बिल्डर मेथड के भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बिल्डर मेथड क्यों जरूरी है मैं आपको भी बताना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक अपना ये बनाएंगे, अपना कोई सा भी क्लास एक एक ऐप बनाएंगे सिंपल जो हम लोग अभी तक बनाते आए हैं। तो हम यहाँ पे इसको डेफ बिल्ड कर देते हैं,
और यहाँ पे इसको रिटर्न कुछ नहीं अभी कराते हैं और पहले एक लेआउट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई ऐप हो गया, ठीक, और यहाँ पे डॉट रन मेथड हो गया, ठीक है। हम लोग का सिंपल सिंटैक्स कुछ ऐसा ही होता है कीवी का, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियोस में देखे हैं डॉट केवी फाइल के बारे में, वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, ठीक है। तो विल्डर मेथड भी कुछ वही उसका फंक्शनलिटीज होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग उसको ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बिल्डर को इम्पोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम कीवी, कीवी के लैंग्वेज से, लैंग पैकेज, सब पैकेज से बिल्डर इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो फ्रॉम कीवी डॉट लैंग, इसको थोड़ा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को विजुअल अच्छा होगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम कीवी डॉट लैंग इम्पोर्ट बिल्डर, बिल्डर, ओके, यहाँ तक हो गया, बिल्डर हम लोगों ने इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग बिल्डर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रिटर्न की बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न भी करा सकते हैं, लेकिन एक हम लोग रिटर्न की बनाते हैं, बिल्डर, बिल्डर शॉर्ट फॉर्म बिल्डर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे बिल्डर को वहाँ पे इनिशलाइज करेंगे। इसमें दो मेथड होते हैं गाइस बिल्डर में, इसको हटाते हैं यार, बिल्डर में दो फंक्शंस होते हैं, लोड फाइल, लोड फाइल, लोड स्ट्रिंग, ठीक है। तो लोड स्ट्रिंग अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग आप दे सकते हैं माई डी ओ सी, माई डी ओ सी, ठीक है, हमने स्ट्रिंग दे दिया, सॉरी माई डी ओ सी, हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दे दिया, और इस बिल्डर को हम लोग यहाँ से रिटर्न करा दे रहे हैं, बी एल डी आर, यहाँ पे रिटर्न करा दिए, ठीक है। तो ये जो माई डी ओ सी है ना, इसको स्ट्रिंग के तौर पे हम यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं, जैसे माई डी ओ सी, यहाँ पे किया इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद तीन जो मल्टी लाइन कमेंट आपने पढ़ा होगा मतलब पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन के अंदर यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट में अंदर डाल के हम यहाँ पे जो हम लोग मेथड डॉट के वी फाइल के अंदर लिखते हैं, सेम यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लेबल लिख देता हूँ, ठीक है, लेबल, और यहाँ पे इसको लेबल के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी अपना वो लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेबल के बाद इंडेंटेशन दे के टेक्स्ट लिख देते हैं, हेलो हेलो आई टी डूड, ठीक, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे सिंपल वही मेथड है, इसके अंदर जो भी आप डॉट के वी फाइल के अंदर लिखते आए हो सिंपल यहाँ भी इनिशलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं रन करा के दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे हेलो आई टी डूड लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी जो आप डॉट के वी फाइल के अंदर लिखते आए हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आता है लोड एक फाइल करके, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसको हटाई देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब ये क्या है, आप जो डॉट के वी फाइल के अंदर लिखते हो अपने एक ही प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ठीक है, ये फायदा होता है। और एक होता है डॉट लोड फाइल का, लोड स्ट्रिंग होता है, एक लोड फाइल होता है, ठीक है, यहाँ पे लोड फाइल। तो लोड फाइल करके हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, जैसे क्या लिखे, हेलो हेलो डॉट के वी, यहाँ पे डॉट के वी, यहाँ पे आप कोई सा भी मतलब इनिशलाइज कर सकते हो हेलो डॉट के वी। तो यहाँ पे आप डॉट के वी फाइल बना के हेलो डॉट के वी, हेलो डॉट के वी फाइल के, सॉरी डॉट के वी फाइल करके यहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप पहले से करते आए हो, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है तो करते आए हो, जैसे सी एस एस को लिंक करते हो एच टी एम एल में, वैसे ही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप कर दे सकते हो लेबल, लेबल में आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे स्पेस मतलब इंडेंटेशन के ध्यान देते हुए यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हेलो हेलो ब्रो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेव करा के अब इसको भी आप यहाँ पे रन करा सकते हो, ठीक है, सिंपल वही फंडा रहेगा। अच्छा सॉरी सॉरी, हेलो मैंने इसको स्ट्रिंग के तौर पे नहीं लिखा, हेलो स्ट्रिंग को, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डबल इन्वर्टेड कामा में। अब इसको हम रन कराएंगे तो हमारा अच्छा आराम से रन कर जाएगा, ठीक है, हेलो ब्रो आ गया, ठीक है। तो आराम से आप ऐसे भी बिल्डर मेथड को भी इनिशलाइज कर सकते हो, काफ़ी आसान है और काफ़ी सिंपल, कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, कि मतलब बस वही काम जो आपका डॉट के वी फाइल करता है वो ही फाइल आप डॉट मतलब बिल्डर के थ्रू भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डायरेक्ट इसी मतलब इसी प्रोग्राम में बिल्डर जैसे आप डॉट के वी फाइल को इनिशलाइज करते हो स्ट्रिंग के तौर पर, यहाँ पर इनिशलाइज कर सकते हो, या फिर आप इसको लिंक कर सकते हो कहीं और भी, अगर इस जो
आपका ये फाइल है केवी फाइल, अगर कहीं और भी आपने बना रखा है तो यहाँ पे उसका लोकेशन दे के आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्डर मेथड है, काफ़ी यूज में आने वाला है। जैसे आप पहले अगर डॉट केवी फाइल पढ़े होते हो, जैसे मैंने बताया था, तो उसी रूट में इस नाम से आपको बनाना पड़ता था, नेम का बाउंडेशन उसी रूट में था, ये सारी बाउंडेशन थी। बिल्डर मेथड के आने के बाद ये सारी बाउंडेशन खत्म होगी, आप यहाँ पे बिल्डर डॉट लोड फाइल करके कहीं भी पाथ दे सकते हो और इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है और ये मेरे से छूट रहा था, तो इस नाते मैंने यहाँ पे बना दिया, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो मिलते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ। तो सी यू द नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।